के बारे में, जो कि एक एवरेज फिल्म रही है, ऑडियंस के बीच कुछ खास पसंद नहीं करा गया है। और रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही हिंदी सिनेमा में, साथ ही साथ उन्होंने तमिल फिल्म में भी डेब्यू करा था, जो कि उनके फादर की होम प्रोडक्शन की रही है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या रहा फिल्म में जो कि ऑडियंस ने इतना कुछ खास पसंद नहीं करा है। एक स्टोरी लाइन रही स्कूल टीचर की, जो कि इनोसेंट थी लेकिन फिर भी उनका रेप हुआ। जानेंगे ऐसी क्या वजह रही इनोसेंट होने के बाद भी उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। माला जो कि यंग स्कूल टीचर थी, एक आइडियलिस्टिक थी फ्यूचर को लेकर, अपने उनका एक लव अफेयर था विद अ काफ़ी बड़ी फैमिली के साथ, काफ़ी उनका ड्रीम था कि जैसे हर लड़की का ड्रीम होता है उसी तरीके से उनका भी ड्रीम था। तो उसी दौरान उनकी फ्रेंड कन्फाइन कर देती है अपना रिलेशनशिप एक अमीर लड़की के साथ, और साथ ही साथ उनके साथ शेयर करती है इंटीमेट होने के बारे में। हालांकि उसने प्रॉमिस करा था, लेकिन अब वो शादी किसी और से कर रहा है। माला यानी कि जो स्कूल टीचर थी अपने ड्रीम्स को लेकर काफ़ी पैशनेट थी। उन्होंने कंपनी दी अपनी फ्रेंड को, वहीं पहुंच गई थी जहाँ पे वो लड़का शादी कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करा था, और वहीं जाके उन्हें स्लैप लगाया और उन्हें उनकी मिस्टेक के बारे में समझाया। लेकिन समझाने में तो फेल हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं शादी रोकने में कामयाब भी हो गई और सच्चाई पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने बताई। उसी दौरान जो दूल्हा था उसका भाई सामने आता है और लड़की को काफ़ी इंसल्ट करता है पब्लिक के सामने, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है, मारता है, रेप करा उसको, जिसके दौरान माला जो है काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। उसकी फैमिली शॉक में आ गई थी। पुलिस केस भी हुआ जिसमें कि पुलिस ने अरेस्ट भी करा था। हालांकि राज जिसने कि मारपीट करी थी, रेप करा था, उसके फादर जैसे कि अमीर बाप होने के बाद पावर को यूज़ करते हुए उसे ब्राइब करा, यानी कि माला की फैमिली को ब्राइब करते हुए केस को रफा दफा कर दिया। और कहीं ना कहीं कोशिश करी थी उन्होंने केस को रफा, तो नाकामयाब रहे क्योंकि उसके फादर ने कोशिश करी थी माला के पेरेंट्स को, गार्जियंस को ब्राइब करने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान कोर्ट में जाते हैं और केस फाइल करते हैं अगेंस्ट राज, और एज पर जज कंसिडर करा गया था शादी करने के लिए कि 24 घंटे के अंदर शादी कर दें उसकी, नहीं तो उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ी थी। राज यानी कि जिसने रेप करा था उसने काफ़ी सारे अटेम्प्ट करे थे माला को मारने के लिए, लेकिन वो उस अटेम्प्ट में भी फेल हो गया, नहीं मार पाया। उसी दौरान शादी हो जाती है, लेकिन माला फैमिली में भी चली जाती है। राज की फैमिली भी काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करती है, और उसके फादर जो है इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं अपनी फैमिली को माला को टॉर्चर करने के लिए। एज पर इस इंस्ट्रक्शंस उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है माला को, और प्लॉटिंग करी थी उसकी सिस्टर ने उसे मारने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी वेल्थ को लेकर लालच था। जब उसके फादर अब्रॉड चले गए तो उसी दौरान राज के बहन भाई काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग करते हैं उसे घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन राज के जो अंकल थे उन्होंने इन सब चीज़ों को रोका और प्लान करा था उनके लिए ट्रिप एज अ कपल ट्रिप, जिसमें के पीछे उनकी भी कुछ ना कुछ साजिश थी उसको मारने की। राज के अंकल उसी दौरान मतलब काफ़ी पॉजिटिव वे में अपनी तरफ अपने काबू में करके माला को अपना पॉजिटिव पॉइंट अच्छापन दिखाते हुए माला को अपनी साइड करा। तभी जो है माला बाथरूम में होती है, चार ले रही होती है, उन्होंने उसके कमरे में सांप छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा कि वो उसे मारने के लिए अटेम्प्ट जो ले रहे हैं उसमें वो पास हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सांप से वो ही फेंट हो गए थे।
हालांकि फेंट माला हुई थी, लेकिन सांप ने उन्हें काट लिया था पैर पर। जैसे ही वो चीखे तो माला उनकी आवाज से उड़ गई। एज पर माला का इंटेंशन खराब नहीं था, उसका इंटेंशन बहुत सही था। जो भी उसके साथ फैमिली में हो रहा था, उसके बावजूद भी उसने उनकी हेल्प करी सांप का जहर निकालने में, और काफ़ी अच्छे एटीट्यूड के साथ उन्हें खड़ा करा और बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हुए की मदद करी उससे रिलीफ होने में। हालांकि सांप से कटवाने में वो फेल गए, तो उन्होंने अलग एक और प्लानिंग करी माला को मारने की, जो कि उन्होंने मदद ली थी गैस एक्सप्लोजन की घर में पाने के लिए। बट अनएक्सपेक्टेडली जिसको मारना चाहा था वो तो बच गई थी, और उनके नियर वंस यानी कि उनकी फैमिली मेम्बर ही, उनकी राज की सिस्टर किचन में गई थी, उन्होंने स्टोव ऑन करा तो तभी ब्लास्ट हो गया था, तो उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। जिसको कि एक मैसेज देते हुए दिखाया है पिक्चर में, तो जिसके लिए कुआं खोदता है वो उसी में गिरता है। अपनी बेटी के फ्यूनरल पे जैसे ही राज के फादर आते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं राज के साथ उसको बचाने के चक्कर में। हालांकि माला भी इंजर्ड हुई थी, लेकिन उसकी अच्छाई ने उसे मतलब फैमिली को ही चेंज कर दिया, और जो फैमिली का पर्सपेक्टिव था कहीं ना कहीं वो भी चेंज हुआ माला की क्रिटिकल कंडीशन को लेते हुए। एज माला को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी, और फैमिली के इल और टेरिबल ट्रीटमेंट के बावजूद भी जो उसके फादर थे यानी कि राज के फादर, वो उसे एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो गए। अपोलोजाइज करा था अपनी गलतियों पे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई फिर से, उन्होंने एक्सेप्ट करी अपनी गलतियाँ और अपना फॉल्ट भी माना। और जैसे ही माला कॉन्शियसनेस में आई, उन्होंने अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुर को बचाया, और झूठ बोलते हुए इंसिडेंट के बारे में काफ़ी हेल्प करी अपनी फैमिली की। उसी नेचर को देखते हुए फैमिली का बिहेवियर भी चेंज हुआ, और राज के फादर का बिहेवियर भी चेंज हुआ। जैसे कि शादी एक माला ने चाही थी वो फिर से हुई, और बिल्कुल सेम मैनर में। हालांकि पहला अटेम्प्ट काफ़ी नेगेटिव वे में रहा था, नफरत भरा रहा, और बीच बीच में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही थी कपल के बीच में, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद फैमिली और राज दोनों ही बिल्कुल ही चेंज हो गए थे, और फैमिली ने दोनों की शादी बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वे में करी, पूरी सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करते हुए। दोस्तों, जैसे कि हमने जाना, पिक्चर में सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया गया है जो कि एक क्राइम है। हो सकता है इसी बेसिस पे कहीं या फिर टॉपिक को लेकर ऑडियंस की तरफ से मूवी को ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं मिले हैं, क्रिटिसाइज करा गया है इस टॉपिक को लेकर, और जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है सोसाइटी में। अगर बात करी जाए पिक्चर की प्लॉटिंग को लेकर, तो पिक्चर में कास्ट करे गए एक्टर्स काफ़ी, कुछ एक्टर्स का डेब्यू हुआ है तो कुछ एक्टर्स सीरियस भी रहे हैं, या फिर बोले तो एक्सपीरियंस होल्डर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जो काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं एक्टिंग को। बात यहाँ पे अगर करी जाए एक्टर्स के अलावा प्लॉटिंग की, तो पिक्चर की प्लॉटिंग स्क्रीन पे इससे और अच्छी हो सकती थी। जो एक सोशल टॉपिक था सेक्सुअल असॉल्ट का, वो पॉजिटिव वे में ऑडियंस के बीच लाया जा सकता था कि कैसे उसे प्रिवेंट करा जा सकता है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाया अपोजिट बिल्कुल, पहले तो जिस बंदे से सेक्सुअल असॉल्ट करा था उसी बंदे से प्यार हो रहा है और उसी बंदे से शादी हो रही है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर सकता है सोसाइटी पे। तो पब्लिक ने इसी मोस्टली इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हो सकता है ज़्यादा रिव्यूज़ ना दिए और क्रिटिकली अक्लेम भी करा है। हम बात करें पिक्चर की रेटिंग की, तो पिक्चर में रेटिंग दी गई 5, प्लॉटिंग को रेटिंग दी ऑलमोस्ट 2 रेटिंग गई है 5
5 में से। परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज 1 दिया है, 1 स्टार दिया है 5 में से। सेम गया म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी के लिए। एज एन एवरेज बात करें तो होल कॉन्सेप्ट बेस करता है स्क्रीन प्ले पे। हालांकि एक सोशल टॉपिक है जिसको एक अनजस्टिफाइड वे में रिप्रेजेंट करा गया है ऑडियंस के बीच। अगर प्लॉटिंग अच्छे से होती, स्क्रीन प्ले और इम्प्रूव होता तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाती एज कंपैरेटिवली प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। बात करें अगर हम पिक्चर की बजट की, तो दोस्तों पिक्चर का बजट था 2 करोड़ का और ऑफिस बॉक्स ऑफिस इंडिया पे पिक्चर ने अर्न करे थे 3 करोड़। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करा 6 करोड़। एज पर अगर वीकली बात करें तो फर्स्ट डे में कलेक्ट करा था 0.17 करोड़, तो वहीं पिक्चर ने फर्स्ट वीकेंड पे अर्न करा 0.56 करोड़। तो ओवरऑल पिक्चर का अर्न हुआ था नेट में, इंडिया की बात करें लाइफ टाइम में, टिल द टाइम तो रहा 3 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड में रहा था 6 करोड़ का, जिसको एडजस्ट करा गया था इन्फ्लेशन को लेकर। जैसे कि पिक्चर का जनर था ड्रामा और रोमांस, तो इसको और अच्छे से स्क्रीन प्ले पे लाया जा सकता था एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। तो जैसे कि आज के टाइम पे मोस्ट टीनेज मूवीज देखती है और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है ऑडियंस के बीच में। खाली टीनेज ही नहीं, काफ़ी सिटीजन्स मूवी देखते हैं तो सबके बीच में एक पर्सपेक्टिव जाता है, हर किसी का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो कि पिक्चर को हिट और फ्लॉप करने में काफ़ी ज़्यादा रोल, काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। तो वहीं अगर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ पिक्चर का स्क्रीन प्ले देखा जाएगा तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाएगी और ना ही केवल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे बल्कि इंटरनेशनल वेव में भी, इंटरनेशनल भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस कंसिडर करी जाती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है पिक्चर के स्क्रीन प्ले का, एडिटिंग का और कहीं ना कहीं एक्टर्स का जो कि उसमें कास्ट करे जा रहे हैं, क्या वो उसके लिए सुटेबल हैं या नहीं, क्या वो अच्छे से रोल प्ले कर पाएंगे, ये सब भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रखता है एक पिक्चर के स्क्रीन प्ले को लेकर। तो जैसे कि हमने जाना था शुरुआत में कि रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही थी और रानी मुखर्जी ने साथ साथ एक तमिल फिल्म भी करी थी जो कि उनके फादर की प्रोडक्शन हाउस की ही रही थी, दोनों का ही वो साथ ही साथ शूटअप भी कर रही थी। तो बात यहाँ पे रानी मुखर्जी के अलावा स्क्रीन प्ले पर है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस ये भी सोचती है कि अगर एक ही एक्ट्रेस या एक्टर साइड बाय साइड मूवी कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा हो, बट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्क्रीन प्ले का। एज हर डेब्यू उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस किरदार को निभाया था, एक जान डाल दी थी उस किरदार में, बिल्कुल एज अ लाइफ उसको डिपिक्ट करा था। अगर बात करें उनके अपोजिट एक्टर शादाब खान की, तो उनकी डेब्यू मूवी रही थी बेताबी और राजा की आएगी की बारात उनकी सेकेंड मूवी रही, जिसमें कि एज पर एक्टिंग उन्होंने काफ़ी फिल्म्स भी करी है और कुछ कहीं ना कहीं उनकी शॉर्ट फिल्म्स भी रही हैं। ना ही केवल एक्टर बल्कि बतौर डायरेक्टर और राइटर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और साथ ही साथ 2020 ईयर में दिखाई दिए हैं टेलीविजन में इन द स्कैम 1992 में। अगर बात करी जाए फिल्म में रोल, अंकल का रोल प्ले करने की, तो वो रोल प्ले करा था गुलशन ग्रोवर ने और एज पर हिज फिल्मी बैकग्राउंड बोला जा सकता है या फिर उनका एक्सपीरियंस फिल्मी एरा में, उन्होंने ओवर 400 फिल्म्स करी हैं। मोस्टली उनकी फिल्म्स रही है एज अ टाइटल ऑफ बैड मैन या फिर उनका इम्पैक्ट रहा है नेगेटिव रोल्स के लिए, जिसमें कि जिसके वजह से ही वो बॉलीवुड में फेमस रही हैं और इतना एक नाम कमाया है, उन्हें बैड मैन के नाम से ही जाना जाता है बॉलीवुड में।
दोस्तों जानेंगे फिल्म राजा की आएगी बारात के बारे में, जो कि एक एवरेज फिल्म रही है। ऑडियंस के बीच कुछ खास पसंद नहीं करा गया है और रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही हिंदी सिनेमा में। साथ ही साथ उन्होंने तमिल फिल्म में भी डेब्यू करा था, जो कि उनके फादर की होम प्रोडक्शन की रही है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या रहा फिल्म में जो कि ऑडियंस ने इतना कुछ खास पसंद नहीं करा है। एक स्टोरी लाइन रही स्कूल टीचर की, जो कि इनोसेंट थी लेकिन फिर भी उनका रेप हुआ। जानेंगे ऐसी क्या वजह रही इनोसेंट होने के बाद भी उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। माला जो कि यंग स्कूल टीचर थी, एक आइडियलिस्टिक थी, फ्यूचर को लेकर अपने उनका एक लव अफेयर था विद काफ़ी बड़ी फैमिली के साथ। काफ़ी उनका ड्रीम था कि जैसे हर लड़की का ड्रीम होता है उसी तरीके से उनका भी ड्रीम था। तो उसी दौरान उनकी फ्रेंड कन्फाइन कर देती है अपना रिलेशनशिप एक अमीर लड़की के साथ, और साथ ही साथ उनके साथ शेयर करती है इंटीमेट होने के बारे में। हालांकि उसने प्रॉमिस करा था, लेकिन अब वो शादी किसी और से कर रहा है। माला यानी कि जो स्कूल टीचर थी अपने ड्रीम्स को लेकर काफ़ी पैशनेट थी। उन्होंने कंपनी दी अपनी फ्रेंड को, वहीं पहुंच गई थी जहाँ पे वो लड़का शादी कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा डिफेंड कर रहा था, और वहीं जाके उन्हें स्लैप लगाया और उन्हें उनकी मिस्टेक के बारे में समझाया। लेकिन समझाने में तो फेल हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं शादी रोकने में कामयाब भी हो गई और सच्चाई पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने बताई। उसी दौरान जो दूल्हा था उसका भाई सामने आता है और लड़की को काफ़ी इंसल्ट करता है पब्लिक के सामने और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है, मारता है, रेप करा उसका। जिसके दौरान माला जो है काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, उसकी फैमिली शॉक में आ गई थी। पुलिस केस भी हुआ जिसमें कि पुलिस ने अरेस्ट भी करा था। हालांकि राज जिसने कि मारपीट करी थी, रेप करा था, उसके फादर जैसे कि अमीर बाप होने के बाद पावर को यूज़ करते हुए उसे ब्राइब करा, यानी कि माला की फैमिली को ब्राइब करते हुए केस को रफा दफा कर दिया। और कहीं ना कहीं कोशिश करी थी उन्होंने केस को रफा, तो नाकामयाब रही क्योंकि उसके फादर ने कोशिश करी थी माला के पेरेंट्स को, गार्जियंस को ब्राइब करने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान कोर्ट में जाते हैं और केस फाइल करते हैं अगेंस्ट राज, और एज पर जज कंसिडर करा गया था शादी करने के लिए कि 24 घंटे के अंदर शादी कर दें उसकी, नहीं तो उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी थी। राज यानी कि जिसने रेप करा था उसने काफ़ी सारे अटेम्प्ट करे थे माला को मारने के लिए, लेकिन वो उस अटेम्प्ट में भी फेल हो गया, नहीं मार पाया। उसी दौरान शादी हो जाती है, लेकिन माला फैमिली में भी चली जाती है। राज की फैमिली भी काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करती है और उसके फादर जो है इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं अपनी फैमिली को माला को टॉर्चर करने के लिए। एज पर इस इंस्ट्रक्शंस उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है माला को, और प्लॉटिंग करी थी उसकी सिस्टर ने उसे मारने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी वेल्थ को लेकर लालच था। जब उसके फादर अबॉर्ड चले गए तो उसी दौरान राज के बहन भाई काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग करते हैं उसे घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन राज के जो अंकल थे उन्होंने इन सब चीज़ों को रोका और प्लान करा था उनके लिए ट्रिप एज अ कपल ट्रिप, जिसमें के पीछे उनकी भी कुछ ना कुछ साजिश थी उसको मारने की। राज के अंकल उसी दौरान मतलब काफ़ी पॉजिटिव वे में अपनी तरफ अपने काबू में करके माला को अपना पॉजिटिव पॉइंट अच्छापन दिखाते हुए माला को अपनी साइड करा। तभी जो है माला बाथरूम में होती है, चार ले रही होती है, उन्होंने उसके कमरे में सांप छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा कि वो उसे मारने के लिए अटेम्प्ट जो ले रहे हैं उसमें वो
पास हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सांप से वो ही फेंट हो गए थे। हालांकि फेंट माला हुई थी, लेकिन सांप ने उन्हें काट लिया था पैर पर। जैसे ही वो चीखे तो माला उनकी आवाज से उठ गई। एज पर माला का इंटेंशन खराब नहीं था, उसका इंटेंशन बहुत सही था। जो भी उसके साथ फैमिली में हो रहा था, उसके बावजूद भी उसने उनकी हेल्प करी सांप का जहर निकालने में, और काफ़ी अच्छे एटीट्यूड के साथ उन्हें खड़ा करा और बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हुए उनकी मदद करी उससे रिलीफ होने में। हालांकि सांप से कटवाने में वो फेल रहे, तो उन्होंने अलग एक और प्लानिंग करी माला को मारने की, जो कि उन्होंने मदद ली थी गैस एक्सप्लोजन की घर में करने के लिए। बट अनएक्सपेक्टेडली जिसको मारना चाहा था वो तो बच गई थी, और उनके नियर वंस यानी कि उनकी फैमिली मेम्बर ही, उनकी राज की सिस्टर किचन में गई थी, उन्होंने स्टोव ऑन करा तो तभी ब्लास्ट हो गया था, तो उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। जिसको कि एक मैसेज देते हुए दिखाया है पिक्चर में, जो जिसके लिए कुआ खोदता है वो उसी में गिरता है। अपनी बेटी के फ्यूनरल पे जैसे ही राज के फादर आते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं राज के साथ उसको बचाने के चक्कर में। हालांकि माला भी इंजर्ड हुई थी, लेकिन उसकी अच्छाई ने उसे मतलब फैमिली को ही चेंज कर दिया, और जो फैमिली का पर्सपेक्टिव था कहीं ना कहीं वो भी चेंज हुआ माला की क्रिटिकल कंडीशन को लेते हुए। एज माला को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी, और फैमिली के इल और टेरिबल ट्रीटमेंट के बावजूद भी जो उसके फादर थे यानी कि राज के फादर, वो उसे एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो गए। अपोलोजाइज करा था अपनी गलतियों पे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई फिर से, उन्होंने एक्सेप्ट करी अपनी गलतियाँ और अपना फॉल्ट भी माना। और जैसे ही माला कॉन्शियसनेस में आई, उन्होंने अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुर को बचाया, और झूठ बोलते हुए इंसिडेंट के बारे में काफ़ी हेल्प करी अपनी फैमिली की। उसी नेचर को देखते हुए फैमिली का बिहेवियर भी चेंज हुआ, और राज के फादर का बिहेवियर भी चेंज हुआ। जैसे कि शादी एक माला ने चाही थी वो फिर से हुई, और बिल्कुल सेम मैनर में। हालांकि पहला अटेम्प्ट काफ़ी नेगेटिव वे में रहा था, नफरत भरा रहा, और बीच बीच में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही थी कपल के बीच में, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद फैमिली और राज दोनों ही बिल्कुल ही चेंज हो गए थे, और फैमिली ने दोनों की शादी बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वे में करी, पूरी सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करते हुए। दोस्तों, जैसे कि हमने जाना, पिक्चर में सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया गया है जो कि एक क्राइम है। हो सकता है इसी बेसिस पे कहें या फिर टॉपिक को लेकर ऑडियंस की तरफ से मूवी को ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं मिले हैं, क्रिटिसाइज करा गया है इस टॉपिक को लेकर, और जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है सोसाइटी में। अगर बात करी जाए पिक्चर की प्लॉटिंग को लेकर, तो पिक्चर में कास्ट करे गए एक्टर्स काफ़ी, कुछ एक्टर्स का डेब्यू हुआ है तो कुछ एक्टर्स सीनियर्स भी रहे हैं, या फिर बोले तो एक्सपीरियंस होल्डर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जो काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं एक्टिंग को। बात यहाँ पे अगर करी जाए एक्टर्स के अलावा प्लॉटिंग की, तो पिक्चर की प्लॉटिंग स्क्रीन पे इससे और अच्छी हो सकती थी। जो एक सोशल टॉपिक था सेक्सुअल असॉल्ट का, वो पॉजिटिव वे में ऑडियंस के बीच लाया जा सकता था कि कैसे उसे प्रिवेंट करा जा सकता है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाया अपोजिट बिल्कुल, पहले तो जिस बंदे से सेक्सुअल असॉल्ट करा था उसी बंदे से प्यार हो रहा है और उसी बंदे से शादी हो रही है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर सकता है सोसाइटी पे। तो पब्लिक ने इसी मोस्टली इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हो सकता है ज़्यादा रिव्यूज ना दिए और क्रिटिकली अक्लेम भी करा है। मैम, बात करें पिक्चर की रेटिंग की, तो पिक्चर में रेटिंग दी गई 5, प्लॉटिंग को रेटिंग दी
ऑलमोस्ट 2 रेटिंग गई है 5 में से। परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज 1 दिया है, 1 स्टार दिया है 5 में से। सेम गया म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी के लिए। एज एन एवरेज बात करें तो होल कॉन्सेप्ट बेस करता है स्क्रीन प्ले पे। हालांकि एक सोशल टॉपिक है जिसको एक अनजस्टिफाइड वे में रिप्रेजेंट करा गया है ऑडियंस के बीच। अगर प्लॉटिंग अच्छे से होती, स्क्रीन प्ले और इम्प्रूव होता तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाती एज कंपैरेटिवली प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। बात करें अगर हम पिक्चर के बजट की, तो दोस्तों पिक्चर का बजट था 2 करोड़ का और ऑफिस बॉक्स ऑफिस इंडिया पे पिक्चर ने अर्न करे थे 3 करोड़। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करा 6 करोड़। एज पर अगर वीकली बात करें तो फर्स्ट डे ने कलेक्ट करा था 0.17 करोड़, तो वहीं पिक्चर ने फर्स्ट वीकेंड पे अर्न करा 0.56 करोड़। तो ओवरऑल पिक्चर का अर्न हुआ था नेट में, इंडिया की बात करें लाइफ टाइम में, टिल द टाइम तो रहा 3 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड में रहा था 6 करोड़ का, जिसको एडजस्ट करा गया था इन्फ्लेशन को लेकर। जैसे कि पिक्चर का जनर था ड्रामा और रोमांस, तो इसको और अच्छे से स्क्रीन प्ले पे लाया जा सकता था एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। तो जैसे कि आज के टाइम पे मोस्ट टीनेज मूवीज देखती है और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है ऑडियंस के बीच में। खाली टीनेज ही नहीं, काफ़ी सिटीजन्स मूवी देखते हैं तो सबके बीच में एक पर्सपेक्टिव जाता है, हर किसी का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो कि पिक्चर को हिट और फ्लॉप करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। तो वहीं अगर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ पिक्चर का स्क्रीन प्ले लिखा जाएगा तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाएगी और ना ही केवल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे बल्कि इंटरनेशनल वेव में भी, इंटरनेशनल भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस कंसिडर करी जाती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है पिक्चर के स्क्रीन प्ले का, एडिटिंग का और कहीं ना कहीं एक्टर्स का जो कि उसमें कास्ट करे जा रहे हैं, क्या वो उसके लिए सुटेबल हैं या नहीं, क्या वो अच्छे से रोल प्ले कर पाएंगे, ये सब भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रखता है एक पिक्चर के स्क्रीन प्ले को लेकर। तो जैसे कि हमने जाना था शुरुआत में कि रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही थी और रानी मुखर्जी ने साथ साथ एक तमिल फिल्म भी करी थी जो कि उनके फादर की प्रोडक्शन हाउस की ही रही थी, दोनों का ही वो साथ ही साथ शूटअप भी कर रही थी। तो बात यहाँ पर रानी मुखर्जी के अलावा स्क्रीन प्ले पर है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस ये भी सोचती है कि अगर एक ही एक्ट्रेस या एक्टर साइड बाय साइड मूवी कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा हो, बट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्क्रीन प्ले का। एज हर डेब्यू उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस किरदार को निभाया था, एक जान डाल दी थी उस किरदार में, बिल्कुल एज अ लाइफ उसको डिपिक्ट करा था। बात करें उनके अपोजिट एक्टर शादाब खान की, तो उनकी डेब्यू मूवी रही थी बेताबी और राजा की आएगी की बारात उनकी सेकेंड मूवी रही, जिसमें कि एज पर एक्टिंग उन्होंने काफ़ी फिल्म्स भी करी है और कुछ कहीं ना कहीं उनकी शॉर्ट फिल्म्स भी रही हैं। ना ही केवल एक्टर बल्कि बतौर डायरेक्टर और राइटर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और साथ ही साथ 2020 ईयर में दिखाई दिए हैं टेलीविजन में इन द स्कैम 1992 में। अगर बात करी जाए फिल्म में रोल अंकल का रोल प्ले करने की, तो वो रोल प्ले करा था गुलशन ग्रोवर ने और एज पर हिज फिल्मी बैकग्राउंड बोला जा सकता है या फिर उनका एक्सपीरियंस फिल्मी एरा में, उन्होंने ओवर 400 फिल्म्स करी हैं। मोस्टली उनकी फिल्म्स रही है एज अ टाइटल ऑफ बैड मैन या फिर उनका इम्पैक्ट रहा है नेगेटिव रोल्स के लिए, जिसमें कि जिसके वजह से ही वो बॉलीवुड में फेमस रही हैं और इतना एक नाम कमाया है, उन्हें बैड मैन के नाम से ही जाना जाता है बॉलीवुड में।
दोस्तों जानेंगे फिल्म राजा की आएगी बारात के बारे में, जो कि एक एवरेज फिल्म रही है, ऑडियंस के बीच कुछ खास पसंद नहीं करा गया है। और रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही हिंदी सिनेमा में, साथ ही साथ उन्होंने तमिल फिल्म में भी डेब्यू करा था, जो कि उनके फादर की होम प्रोडक्शन की रही है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या रहा फिल्म में जो कि ऑडियंस ने इतना कुछ खास पसंद नहीं करा है। एक स्टोरी लाइन रही स्कूल टीचर की, जो कि इनोसेंट थी लेकिन फिर भी उनका रेप हुआ। जानेंगे ऐसी क्या वजह रही इनोसेंट होने के बाद भी उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। माला जो कि यंग स्कूल टीचर थी, एक आइडियलिस्टिक थी, फ्यूचर को लेकर अपने उनका एक लव अफेयर था विद अ काफ़ी बड़ी फैमिली के साथ। काफ़ी उनका ड्रीम था कि जैसे हर लड़की का ड्रीम होता है उसी तरीके से उनका भी ड्रीम था। तो उसी दौरान उनकी फ्रेंड कन्फाइन कर देती है अपना रिलेशनशिप एक अमीर लड़की के साथ, और साथ ही साथ उनके साथ शेयर करती है इंटीमेट होने के बारे में। हालांकि उसने प्रॉमिस करा था, लेकिन अब वो शादी किसी और से कर रहा है। माला यानी कि जो स्कूल टीचर थी अपने ड्रीम्स को लेकर काफ़ी पैशनेट थी। उन्होंने कंपनी दी अपनी फ्रेंड को, वहीं पहुंच गई थी जहाँ पे वो लड़का शादी कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा डिफेंड कर रहा था, और वहीं जाके उन्हें स्लैप लगाया और उन्हें उनकी मिस्टेक के बारे में समझाया। लेकिन समझाने में तो फेल हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं शादी रोकने में कामयाब भी हो गई और सच्चाई पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने बताई। उसी दौरान जो दूल्हा था उसका भाई सामने आता है और लड़की को काफ़ी इंसल्ट करता है पब्लिक के सामने, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है, मारता है, रेप करा उसका। जिसके दौरान माला जो है काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, उसकी फैमिली शॉक में आ गई थी। पुलिस केस भी हुआ जिसमें कि पुलिस ने अरेस्ट भी करा था। हालांकि राज जिसने कि मारपीट करी थी, रेप करा था, उसके फादर जैसे कि अमीर बाप होने के बाद पावर को यूज़ करते हुए उसे ब्राइब करा, यानी कि माला की फैमिली को ब्राइब करते हुए केस को रफा दफा कर दिया। कहीं ना कहीं कोशिश करी थी उन्होंने केस को रफा, तो नाकामयाब रहे क्योंकि उसके फादर ने कोशिश करी थी माला के पेरेंट्स को, गार्जियंस को ब्राइब करने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान कोर्ट में जाते हैं और केस फाइल करते हैं अगेंस्ट राज, और एज पर जज कंसिडर करा गया था शादी करने के लिए कि 24 घंटे के अंदर शादी कर दे उसकी, नहीं तो उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी थी। राज यानी कि जिसने रेप करा था उसने काफ़ी सारे अटेम्प्ट करे थे माला को मारने के लिए, लेकिन वो उस अटेम्प्ट में भी फेल हो गया, नहीं मार पाया। उसी दौरान शादी हो जाती है, लेकिन माला फैमिली में भी चली जाती है। राज की फैमिली भी काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करती है, और उसके फादर जो है इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं अपनी फैमिली को माला को टॉर्चर करने के लिए। एज पर इस इंस्ट्रक्शंस उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है माला को, और प्लॉटिंग करी थी उसकी सिस्टर ने उसे मारने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी वेल्थ को लेकर लालच था। जब उसके फादर अब्रॉड चले गए तो उसी दौरान राज के बहन भाई काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग करते हैं उसे घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन राज के जो अंकल थे उन्होंने इन सब चीज़ों को रोका और प्लान करा था उनके लिए ट्रिप एज अ कपल ट्रिप, जिसमें के पीछे उनकी भी कुछ ना कुछ साजिश थी उसको मारने की। राज के अंकल उसी दौरान मतलब काफ़ी पॉजिटिव वे में अपनी तरफ अपने काबू में करके माला को अपना पॉजिटिव पॉइंट अच्छापन दिखाते हुए माला को अपनी साइड करा। तभी जो है माला बाथरूम में होती है, शावर ले रही होती है, उन्होंने उसके कमरे में सांप छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा कि वो उसे मारने के लिए अटेम्प्ट जो ले रहे हैं उसमें वो
पास हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सांप से वो ही फेंट हो गए थे। हालांकि फेंट माला हुई थी, लेकिन सांप ने उन्हें काट लिया था पैर पर। जैसे ही वो चीखे तो माला उनकी आवाज से उठ गई। एज पर माला का इंटेंशन खराब नहीं था, उसका इंटेंशन बहुत सही था। जो भी उसके साथ फैमिली में हो रहा था, उसके बावजूद भी उसने उनकी हेल्प करी सांप का जहर निकालने में, और काफ़ी अच्छे एटीट्यूड के साथ उन्हें खड़ा करा और बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हुए की मदद करी उससे रिलीफ होने में। हालांकि सांप से कटवाने में वो फेल गए, तो उन्हें अलग एक और प्लानिंग करी माला को मारने की, जो कि उन्होंने मदद ली थी गैस एक्सप्लोजन की घर में करने के लिए। बट अनएक्सपेक्टेडली जिसको मारना चाहा था वो तो बच गई थी, और उनके नियर वंस यानी कि उनकी फैमिली मेम्बर ही, उनकी राज की सिस्टर किचन में गई थी, उन्होंने स्टोव ऑन करा तो तभी ब्लास्ट हो गया था, तो उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। जिसको कि एक मैसेज देते हुए दिखाया है पिक्चर में, जो जिसके लिए कुआ खोदता है वो उसी में गिरता है। अपनी बेटी के फ्यूनरल पे जैसे ही राज के फादर आते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं राज के साथ उसको बचाने के चक्कर में। हालांकि माला भी इंजर्ड हुई थी, लेकिन उसकी अच्छाई ने उसे मतलब फैमिली को ही चेंज कर दिया, और जो फैमिली का पर्सपेक्टिव था कहीं ना कहीं वो भी चेंज हुआ माला की क्रिटिकल कंडीशन को लेते हुए। एज माला को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी, और फैमिली के इल और टेरिबल ट्रीटमेंट के बावजूद भी जो उसके फादर थे यानी कि राज के फादर, वो उसे एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो गए। अपोलोजाइज कर रहा था अपनी गलतियों पे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई फिर से, उन्होंने एक्सेप्ट करी अपनी गलतियाँ और अपना फॉल्ट भी माना। और जैसे ही माला कॉन्शियसनेस में आई, उन्होंने अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुर को बचाया, और झूठ बोलते हुए इंसिडेंट के बारे में काफ़ी हेल्प करी अपनी फैमिली की। उसी नेचर को देखते हुए फैमिली का बिहेवियर भी चेंज हुआ, और राज के फादर का बिहेवियर भी चेंज हुआ। जैसे कि शादी एक माला ने चाही थी वो फिर से हुई, और बिल्कुल सेम मैनर में। हालांकि पहला अटेम्प्ट काफ़ी नेगेटिव वे में रहा था, नफरत भरा रहा, और बीच बीच में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही थी कपल के बीच में, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद फैमिली और राज दोनों ही बिल्कुल ही चेंज हो गए थे, और फैमिली ने दोनों की शादी बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वे में करी, पूरी सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करते हुए। दोस्तों, जैसे कि हमने जाना पिक्चर में सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया गया है, जो कि एक क्राइम है, हो सकता है इसी बेसिस पे कहें या फिर टॉपिक को लेकर ऑडियंस की तरफ से मूवी को ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिले हैं, क्रिटिसाइज करा गया है इस टॉपिक को लेकर, और जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है सोसाइटी में। अगर बात करी जाए पिक्चर की प्लॉटिंग को लेकर, तो पिक्चर में कास्ट करे गए एक्टर्स काफ़ी, कुछ एक्टर्स का डेब्यू हुआ है तो कुछ एक्टर्स सीरियस सीनियर भी रहे हैं, या फिर बोले तो एक्सपीरियंस होल्डर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जो काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं एक्टिंग को। बात यहाँ पे अगर करी जाए एक्टर्स के अलावा प्लॉटिंग की, तो पिक्चर की प्लॉटिंग स्क्रीन पे इससे और अच्छी हो सकती थी। जो एक सोशल टॉपिक था सेक्सुअल असॉल्ट का, वो पॉजिटिव वे में ऑडियंस के बीच लाया जा सकता था कि कैसे उसे प्रिवेंट करा जा सकता है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाया अपोजिट, बिल्कुल पहले तो जिस बंदे से सेक्सुअल असॉल्ट करा था उसी बंदे से प्यार हो रहा है और उसी बंदे से शादी हो रही है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर सकता है सोसाइटी पे। तो पब्लिक ने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हो सकता है ज़्यादा रिव्यूज ना दिए और क्रिटिकली अक्लेम भी करा है। मैम, बात करें पिक्चर की रेटिंग की, तो पिक्चर में रेटिंग दी गई आउट ऑफ 5, प्लॉटिंग को रेटिंग दी
ऑलमोस्ट 2 रेटिंग गई है 5 में से। परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज 1 दिया है, 1 स्टार दिया है 5 में से। सेम गया म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी के लिए। एज एन एवरेज बात करें तो होल कॉन्सेप्ट बेस करता है स्क्रीन प्ले पे। हालांकि एक सोशल टॉपिक है जिसको एक अनजस्टिफाइड वे में रिप्रेजेंट करा गया है ऑडियंस के बीच। अगर प्लॉटिंग अच्छे से होती, स्क्रीन प्ले और इम्प्रूव होता तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाती एज कंपैरेटिवली प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। बात करें अगर हम पिक्चर के बजट की तो दोस्तों पिक्चर का बजट था 2 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे पिक्चर ने अर्न करे थे 3 करोड़। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करा 6 करोड़। एज पर अगर वीकली बात करें तो फर्स्ट डे में कलेक्ट करा था 0.17 करोड़, तो वहीं पिक्चर ने फर्स्ट वीकेंड पे अर्न करा 0.56 करोड़। तो ओवरऑल पिक्चर का अर्न हुआ था नेट में, इंडिया की बात करें लाइफ टाइम में, टिल द टाइम तो रहा 3 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड में रहा था 6 करोड़ का, जिसको एडजस्ट करा गया था इन्फ्लेशन को लेकर। जैसे कि पिक्चर का जनर था ड्रामा और रोमांस, तो इसको और अच्छे से स्क्रीन प्ले पे लाया जा सकता था एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। तो जैसे कि आज के टाइम पे मोस्ट टीनेज मूवीज देखती है और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है ऑडियंस के बीच में। खाली टीनेज ही नहीं, काफ़ी सिटीजन्स मूवी देखते हैं तो सबके बीच में एक पर्सपेक्टिव जाता है। हर किसी का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कि पिक्चर को हिट और फ्लॉप करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। तो वहीं अगर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ पिक्चर का स्क्रीन प्ले लिखा जाएगा तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाएगी और ना ही केवल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे बल्कि इंटरनेशनल वे में भी, इंटरनेशनल भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस कंसिडर करी जाती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है पिक्चर के स्क्रीन प्ले का, एडिटिंग का और कहीं ना कहीं एक्टर्स का जो कि उसमें कास्ट करे जा रहे हैं, क्या वो उसके लिए सुटेबल हैं या नहीं, क्या वो अच्छे से रोल प्ले कर पाएंगे, ये सब भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रखता है एक पिक्चर के स्क्रीन प्ले को लेकर। तो जैसे कि हमने जाना था शुरुआत में कि रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही थी और रानी मुखर्जी ने साथ साथ एक तमिल फिल्म भी करी थी जो कि उनके फादर की प्रोडक्शन हाउस की ही रही थी, दोनों का ही वो साथ ही साथ शूटअप भी कर रही थी। तो बात यहाँ पे रानी मुखर्जी के अलावा स्क्रीन प्ले पर है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस ये भी सोचती है कि अगर एक ही एक्ट्रेस या एक्टर साइड बाय साइड मूवी कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा हो, बट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्क्रीन प्ले का। एज हर डेब्यू उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस किरदार को निभाया था, एक जान डाल दी थी उस किरदार में, बिल्कुल एज अ लाइफ उसको डिपिक्ट करा था। अगर बात करें उनके अपोजिट एक्टर शादाब खान की तो उनकी डेब्यू मूवी रही थी बेताबी और राजा के आएगी की बारात उनकी सेकेंड मूवी रही, जिसमें कि एज पर एक्टिंग उन्होंने काफ़ी फिल्म्स भी करी है और कुछ कहीं ना कहीं उनकी शॉर्ट फिल्म्स भी रही हैं। ना ही केवल एक्टर बल्कि बतौर डायरेक्टर और राइटर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और साथ ही साथ 2020 ईयर में दिखाई दिए हैं टेलीविजन में इन द स्कैम 1992 में। अगर बात करें जाए फिल्म में रोल अंकल का रोल प्ले करने की तो वो रोल प्ले करा था गुलशन ग्रोवर ने और एज पर हिज फिल्मी बैकग्राउंड बोला जा सकता है या फिर उनका एक्सपीरियंस फिल्मी एरा में उन्होंने ओवर 400 फिल्म्स करी हैं। मोस्टली उनकी फिल्म्स रही है एज अ टाइटल ऑफ बैड मैन या फिर उनका इम्पैक्ट रहा है नेगेटिव रोल्स के लिए जिसके वजह से ही वो बॉलीवुड में फेमस रही हैं और इतना एक नाम कमाया है, उन्हें बैड मैन के नाम से ही जाना जाता है बॉलीवुड में।
दोस्तों जानेंगे फिल्म राजा की आएगी बारात के बारे में, जो कि एक एवरेज फिल्म रही है। ऑडियंस के बीच कुछ खास पसंद नहीं करा गया है। और रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही हिंदी सिनेमा में, साथ ही साथ उन्होंने तमिल फिल्म में भी डेब्यू करा था, जो कि उनके फादर की होम प्रोडक्शन की रही है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या रहा फिल्म में जो कि ऑडियंस ने इतना कुछ खास पसंद नहीं करा है। एक स्टोरी लाइन रही स्कूल टीचर की, जो कि इनोसेंट थी लेकिन फिर भी उनका रेप हुआ। जानेंगे ऐसी क्या वजह रही इनोसेंट होने के बाद भी उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। माला जो कि यंग स्कूल टीचर थी, एक आइडियलिस्टिक थी फ्यूचर को लेकर। अपने उनका एक लव अफेयर था विद अ काफ़ी बड़ी फैमिली के साथ। काफ़ी उनका ड्रीम था कि जैसे हर लड़की का ड्रीम होता है उसी तरीके से उनका भी ड्रीम था। तो उसी दौरान उनकी फ्रेंड कन्फाइन कर देती है अपना रिलेशनशिप एक अमीर लड़की के साथ, और साथ ही साथ उनके साथ शेयर करती है इंटीमेट होने के बारे में। हालांकि उसने प्रॉमिस करा था, लेकिन अब वो शादी किसी और से कर रहा है। माला यानी कि जो स्कूल टीचर थी अपने ड्रीम्स को लेकर काफ़ी पैशनेट थी। उन्होंने कंपनी दी अपनी फ्रेंड को, वहीं पहुंच गई थी जहाँ पे वो लड़का शादी कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा डिफेंड कर रहा था, और वहीं जाके उन्हें स्लैप लगाया और उन्हें उनकी मिस्टेक के बारे में समझाया। लेकिन समझाने में तो फेल हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं शादी रोकने में कामयाब भी हो गई और सच्चाई पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने बताई। उसी दौरान जो दूल्हा था उसका भाई सामने आता है और लड़की को काफ़ी इंसल्ट करता है पब्लिक के सामने, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है, मारता है, रेप करा उसका। जिसके दौरान माला जो है काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, उसकी फैमिली शॉक में आ गई थी। पुलिस केस भी हुआ जिसमें कि पुलिस ने अरेस्ट भी करा था। हालांकि राज जिसने कि मारपीट करी थी, रेप करा था, उसके फादर जैसे कि अमीर बाप होने के बाद पावर को यूज़ करते हुए उसे ब्राइब करा, यानी कि माला की फैमिली को ब्राइब करते हुए केस को रफा दफा कर दिया। और कहीं ना कहीं कोशिश करी थी उन्होंने केस को रफा, तो नाकामयाब रहे क्योंकि उसके फादर ने कोशिश करी थी माला के पेरेंट्स को, गार्जियंस को ब्राइब करने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान कोर्ट में जाते हैं और केस फाइल करते हैं अगेंस्ट राज, और एज पर जज कंसिडर करा गया था शादी करने के लिए कि 24 घंटे के अंदर शादी कर दे उसकी, नहीं तो उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी थी। राज यानी कि जिसने रेप करा था उसने काफ़ी सारे अटेम्प्ट करे थे माला को मारने के लिए, लेकिन वो उस अटेम्प्ट में भी फेल हो गया, नहीं मार पाया। उसी दौरान शादी हो जाती है, लेकिन माला फैमिली में भी चली जाती है। राज की फैमिली भी काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करती है, और उसके फादर जो है इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं अपनी फैमिली को माला को टॉर्चर करने के लिए। एज पर इस इंस्ट्रक्शंस उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है माला को, और प्लॉटिंग करी थी उसकी सिस्टर ने उसे मारने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी वेल्थ को लेकर लालच था। जब उसके फादर अब्रॉड चले गए तो उसी दौरान राज के बहन भाई काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग करते हैं उसे घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन राज के जो अंकल थे उन्होंने इन सब चीज़ों को रोका और प्लान करा था उनके लिए ट्रिप एज अ कपल ट्रिप, जिसमें के पीछे उनकी भी कुछ ना कुछ साजिश थी उसको मारने की। राज के अंकल उसी दौरान मतलब काफ़ी पॉजिटिव वे में अपनी तरफ अपने काबू में करके माला को अपना पॉजिटिव पॉइंट अच्छापन दिखाते हुए माला को अपनी साइड करा। तभी जो है माला बाथरूम होती है, चार लेडी होती है, उन्होंने उसके कमरे में सांप छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा कि वो उसे मारने के लिए अटेम्प्ट जो ले रहे हैं उसमें वो
पास हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सांप से वो ही फेंट हो गए थे। हालांकि फेंट माला हुई थी, लेकिन सांप ने उन्हें काट लिया था पैर पर। जैसे ही वो चीखे तो माला उनकी आवाज से उठ गई। एज पर माला का इंटेंशन खराब नहीं था, उसका इंटेंशन बहुत सही था। जो भी उसके साथ फैमिली में हो रहा था, उसके बावजूद भी उसने उनकी हेल्प करी सांप का जहर निकालने में, और काफ़ी अच्छे एटीट्यूड के साथ उन्हें खड़ा करा और बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हुए उनकी मदद करी उससे रिलीफ होने में। हालांकि सांप से कटवाने में वो फेल गए, तो उन्हें अलग एक और प्लानिंग करी माला को मारने की, जो कि उन्होंने मदद ली थी गैस एक्सप्लोजन की घर में करने के लिए। बट अनएक्सपेक्टेडली जिसको मारना चाहा था वो तो बच गई थी, और उनके नियर वंस यानी कि उनकी फैमिली मेम्बर ही, उनकी राज की सिस्टर किचन में गई थी, उन्होंने स्टोव ऑन करा तो तभी ब्लास्ट हो गया था, तो उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। जिसको कि एक मैसेज देते हुए दिखाया है पिक्चर में, जो जिसके लिए कुआ खोदता है वो उसी में गिरता है। अपनी बेटी के फ्यूनरल पे जैसे ही राज के फादर आते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं राज के साथ उसको बचाने के चक्कर में। हालांकि माला भी इंजर्ड हुई थी, लेकिन उसकी अच्छाई ने उसे मतलब फैमिली को ही चेंज कर दिया, और जो फैमिली का पर्सपेक्टिव था कहीं ना कहीं वो भी चेंज हुआ माला की क्रिटिकल कंडीशन को लेते हुए। एज माला को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी, और फैमिली के इल और टेरिबल ट्रीटमेंट के बावजूद भी जो उसके फादर थे यानी कि राज के फादर, वो उसे एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो गए। अपोलोजाइज कर रहा था अपनी गलतियों पे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई फिर से, उन्होंने एक्सेप्ट करी अपनी गलतियाँ और अपना फॉल्ट भी माना। और जैसे ही माला कॉन्शियसनेस में आई, उन्होंने अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुर को बचाया, और झूठ बोलते हुए इंसिडेंट के बारे में काफ़ी हेल्प करी अपनी फैमिली की। उसी नेचर को देखते हुए फैमिली का बिहेवियर भी चेंज हुआ, और राज के फादर का बिहेवियर भी चेंज हुआ। जैसे कि शादी एक माला ने चाही थी वो फिर से हुई, और बिल्कुल सेम मैनर में। हालांकि पहला अटेम्प्ट काफ़ी नेगेटिव वे में रहा था, नफरत भरा रहा, और बीच बीच में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही थी कपल के बीच में, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद फैमिली और राज दोनों ही बिल्कुल ही चेंज हो गए थे, और फैमिली ने दोनों की शादी बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वे में करी पूरी सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करते हुए। दोस्तों, जैसे कि हमने जाना पिक्चर में सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया गया है जो कि एक क्राइम है, हो सकता है इसी बेसिस पे जिस कहें या फिर टॉपिक को लेकर ऑडियंस की तरफ से मूवी को ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिले हैं, क्रिटिसाइज करा गया है इस टॉपिक को लेकर, और जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है सोसाइटी में। अगर बात करी जाए पिक्चर की प्लॉटिंग को लेकर, तो पिक्चर में कास्ट करे गए एक्टर्स काफ़ी, कुछ एक्टर्स का डेब्यू हुआ है तो कुछ एक्टर्स सीरियस भी रहे हैं, या फिर बोले तो एक्सपीरियंस होल्डर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जो काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं एक्टिंग को। बात यहाँ पे अगर करी जाए एक्टर्स के अलावा प्लॉटिंग की, तो पिक्चर की प्लॉटिंग स्क्रीन पे इससे और अच्छी हो सकती थी। जो एक सोशल टॉपिक था सेक्सुअल असॉल्ट का, वो पॉजिटिव वे में ऑडियंस के बीच लाया जा सकता था कि कैसे उसे प्रिवेंट करा जा सकता है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाया अपोजिट बिल्कुल। पहले तो जिस बंदे से सेक्सुअल असॉल्ट करा था उसी बंदे से प्यार हो रहा है और उसी बंदे से शादी हो रही है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर सकता है सोसाइटी पे। तो पब्लिक ने इसी मोस्टली इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हो सकता है ज़्यादा रिव्यूज़ ना दिए और क्रिटिकली अक्लेम भी करा है। हम बात करें पिक्चर की रेटिंग की, तो पिक्चर में रेटिंग दी गई आउट ऑफ 5, प्लॉटिंग को रेटिंग दी
ऑलमोस्ट 2 रेटिंग गई है 5 में से। परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज 1 दिया है, 1 स्टार दिया है 5 में से। सेम गया म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी के लिए। एज एन एवरेज बात करें तो होल कॉन्सेप्ट बेस करता है स्क्रीन प्ले पे। हालांकि एक सोशल टॉपिक है जिसको एक अनजस्टिफाइड वे में रिप्रेजेंट करा गया है ऑडियंस के बीच। अगर प्लॉटिंग अच्छे से होती, स्क्रीन प्ले और इम्प्रूव होता तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाती एज कंपैरेटिवली प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। बात करें अगर हम पिक्चर की बजट की, तो दोस्तों पिक्चर का बजट था 2 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे पिक्चर ने अर्न करे थे 3 करोड़। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करा 6 करोड़। एज पर अगर वीकली बात करें तो फर्स्ट डे में कलेक्ट करा था 0.17 करोड़, तो वहीं पिक्चर ने फर्स्ट वीकेंड पे अर्न करा 0.56 करोड़। तो ओवरऑल पिक्चर का अर्न हुआ था नेट में, इंडिया की बात करें लाइफ टाइम में, टिल द टाइम तो रहा 3 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड में रहा था 6 करोड़ का, जिसको एडजस्ट करा गया था इन्फ्लेशन को लेकर। जैसे कि पिक्चर का जनर था ड्रामा और रोमांस, तो इसको और अच्छे से स्क्रीन प्ले पे लाया जा सकता था एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। तो जैसे कि आज के टाइम पे मोस्ट टीनेज मूवीज देखती है और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है ऑडियंस के बीच में। खाली टीनेज ही नहीं, काफ़ी सिटीजन्स मूवी देखते हैं तो सबके बीच में एक पर्सपेक्टिव जाता है, हर किसी का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कि पिक्चर को हिट और फ्लॉप करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। तो वहीं अगर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ पिक्चर का स्क्रीन प्ले लिखा जाएगा तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाएगी और ना ही केवल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे बल्कि इंटरनेशनल वे में भी, इंटरनेशनल भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस कंसिडर करी जाती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है पिक्चर के स्क्रीन प्ले का, एडिटिंग का और कहीं ना कहीं एक्टर्स का जो कि उसमें कास्ट करे जा रहे हैं, क्या वो उसके लिए सुटेबल हैं या नहीं, क्या वो अच्छे से रोल प्ले कर पाएंगे, ये सब भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रखता है एक पिक्चर के स्क्रीन प्ले को लेकर। तो जैसे कि हमने जाना था शुरुआत में कि रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही थी और रानी मुखर्जी ने साथ साथ एक तमिल फिल्म भी करी थी जो कि उनके फादर की प्रोडक्शन हाउस की ही रही थी, दोनों का ही वो साथ ही साथ शूटअप भी कर रही थी। तो बात यहाँ पे रानी मुखर्जी के अलावा स्क्रीन प्ले पर है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस ये भी सोचती है कि अगर एक ही एक्ट्रेस या एक्टर साइड बाय साइड मूवी कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा हो, बट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्क्रीन प्ले का। एज हर डेब्यू उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस किरदार को निभाया था, एक जान डाल दी थी उस किरदार में, बिल्कुल एज अ लाइफ उसको डिपिक्ट करा था। अगर बात करें उनके अपोजिट एक्टर शादाब खान की, तो उनकी डेब्यू मूवी रही थी बेताबी और राजा की आएगी की बारात उनकी सेकेंड मूवी रही, जिसमें कि एज पर एक्टिंग उन्होंने काफ़ी फिल्म्स भी करी है और कुछ कहीं ना कहीं उनकी शॉर्ट फिल्म्स भी रही हैं। ना ही केवल एक्टर बल्कि बतौर डायरेक्टर और राइटर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और साथ ही साथ 2020 ईयर में दिखाई दिए हैं टेलीविजन में इन द स्कैम 1992 में। अगर बात करें जाए फिल्म में रोल अंकल का रोल प्ले करने की, तो वो रोल प्ले करा था गुलशन ग्रोवर ने और एज पर हिज फिल्मी बैकग्राउंड बोला जा सकता है या फिर उनका एक्सपीरियंस फिल्मी एरा में, उन्होंने ओवर 400 फिल्म्स करी हैं। मोस्टली उनकी फिल्म्स रही है एज अ टाइटल ऑफ बैड मैन या फिर उनका इम्पैक्ट रहा है नेगेटिव रोल्स के लिए, जिसमें कि जिसके वजह से ही वो बॉलीवुड में फेमस रही हैं और इतना एक नाम कमाया है, उन्हें बैड मैन के नाम से ही जाना जाता है बॉलीवुड में।
दोस्तों जानेंगे फिल्म राजा की आएगी बारात के बारे में, जो कि एक एवरेज फिल्म रही है, ऑडियंस के बीच कुछ खास पसंद नहीं करा गया है। और रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही हिंदी सिनेमा में, साथ ही साथ उन्होंने तमिल फिल्म में भी डेब्यू करा था, जो कि उनके फादर की होम प्रोडक्शन की रही है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या रहा फिल्म में जो कि ऑडियंस ने इतना कुछ खास पसंद नहीं करा है। एक स्टोरी लाइन रही स्कूल टीचर की, जो कि इनोसेंट थी लेकिन फिर भी उनका रेप हुआ। जानेंगे ऐसी क्या वजह रही इनोसेंट होने के बाद भी उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। माला, जो कि यंग स्कूल टीचर थी, एक आइडियलिस्टिक थी फ्यूचर को लेकर। अपने उनका एक लव अफेयर था विद अ काफ़ी बड़ी फैमिली के साथ। काफ़ी उनका ड्रीम था कि जैसे हर लड़की का ड्रीम होता है, उसी तरीके से उनका भी ड्रीम था। तो उसी दौरान उनकी फ्रेंड कन्फाइन कर देती है अपना रिलेशनशिप एक अमीर लड़की के साथ, और साथ ही साथ उनके साथ शेयर करती है इंटीमेट होने के बारे में। हालांकि उसने प्रॉमिस करा था, लेकिन अब वो शादी किसी और से कर रहा है। माला यानी कि जो स्कूल टीचर थी, अपने ड्रीम्स को लेकर काफ़ी पैशनेट थी। उन्होंने कंपनी दी अपनी फ्रेंड को, वहीं पहुंच गई थी जहाँ पे वो लड़का शादी कर रहा था, और काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करा था, और वहीं जाके उन्हें स्लैप लगाया और उन्हें उनकी मिस्टेक के बारे में समझाया। लेकिन समझाने में तो फेल हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं शादी रोकने में कामयाब भी हो गई, और सच्चाई पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने बताई। उसी दौरान जो दूल्हा था उसका भाई सामने आता है, और लड़की को काफ़ी इंसल्ट करता है पब्लिक के सामने, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है, मारता है, रेप करा उसका। जिसके दौरान माला जो है काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, उसकी फैमिली शॉक में आ गई थी। पुलिस केस भी हुआ जिसमें कि पुलिस ने अरेस्ट भी करा था। हालांकि राज, जिसने कि मारपीट करी थी, रेप करा था, उसके फादर जैसे कि अमीर बाप होने के बाद पावर को यूज़ करते हुए उसे ब्राइब करा, यानी कि माला की फैमिली को ब्राइब करते हुए केस को रफा दफा कर दिया। और कहीं ना कहीं कोशिश करी थी उन्होंने केस को रफा, तो नाकामयाब रहे, क्योंकि उसके फादर ने कोशिश करी थी माला के पेरेंट्स को, गार्जियंस को ब्राइब करने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान कोर्ट में जाते हैं और केस फाइल करते हैं अगेंस्ट राज, और एज पर जज कंसिडर करा गया था शादी करने के लिए कि 24 घंटे के अंदर शादी कर दें उसकी, नहीं तो उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी थी। राज यानी कि जिसने रेप करा था, उसने काफ़ी सारे अटेम्प्ट करे थे माला को मारने के लिए, लेकिन वो उस अटेम्प्ट में भी फेल हो गया, नहीं मार पाया। उसी दौरान शादी हो जाती है, लेकिन माला फैमिली में भी चली जाती है। राज की फैमिली भी काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करती है, और उसके फादर जो है इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं अपनी फैमिली को माला को टॉर्चर करने के लिए। एज पर इस इंस्ट्रक्शंस उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है माला को, और प्लॉटिंग करी थी उसकी सिस्टर ने उसे मारने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी वेल्थ को लेकर लालच था। जब उसके फादर अब्रॉड चले गए, तो उसी दौरान राज के बहन भाई काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग करते हैं उसे घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन राज के जो अंकल थे उन्होंने इन सब चीज़ों को रोका, और प्लान करा था उनके लिए ट्रिप एज अ कपल ट्रिप, जिसमें के पीछे उनकी भी कुछ ना कुछ साजिश थी उसको मारने की। राज के अंकल उसी दौरान मतलब काफ़ी पॉजिटिव वे में अपनी तरफ अपने काबू में करके माला को अपना पॉजिटिव पॉइंट अच्छापन दिखाते हुए माला को अपनी साइड करा। तभी जो है माला बाथरूम में होती है, चार ले रही होती है, उन्होंने उसके कमरे में सांप छोड़ दिया था। उन्हें सोचा कि वो उसे मारने के लिए अटेम्प्ट जो ले रहे हैं उसमें वो
पास हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सांप से वो ही फेंट हो गए थे। हालांकि फेंट माला हुई थी, लेकिन सांप ने उन्हें काट लिया था पैर पर। जैसे ही वो चीखे तो माला उनकी आवाज से उठ गई। एज पर माला का इंटेंशन खराब नहीं था, उसका इंटेंशन बहुत सही था। जो भी उसके साथ फैमिली में हो रहा था, उसके बावजूद भी उसने उनकी हेल्प करी सांप का जहर निकालने में, और काफ़ी अच्छे एटीट्यूड के साथ उन्हें खड़ा करा और बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हुए की मदद करी उससे रिलीफ होने में। हालांकि सांप से कटवाने में वो फेल रहे, तो उन्हें अलग एक और प्लानिंग करी माला को मारने की, जो कि उन्होंने मदद ली थी गैस एक्सप्लोजन की घर में करने के लिए। बट अनएक्सपेक्टेडली जिसको मारना चाहा था वो तो बच गई थी, और उनके नियर वंस यानी कि उनकी फैमिली मेम्बर ही, उनकी राज की सिस्टर किचन में गई थी, उन्होंने स्टोव ऑन करा तो तभी ब्लास्ट हो गया था, तो उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। जिसको कि एक मैसेज देते हुए दिखाया है पिक्चर में, तो जिसके लिए कुआं खोदता है वो उसी में गिरता है। अपनी बेटी के फ्यूनरल पे जैसे ही राज के फादर आते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं राज के साथ उसको बचाने के चक्कर में। हालांकि माला भी इंजर्ड हुई थी, लेकिन उसकी अच्छाई ने उसे मतलब फैमिली को ही चेंज कर दिया, और जो फैमिली का पर्सपेक्टिव था कहीं ना कहीं वो भी चेंज हुआ माला की क्रिटिकल कंडीशन को लेते हुए। एज माला को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी, और फैमिली के इल और टेरिबल ट्रीटमेंट के बावजूद भी जो उसके फादर थे यानी कि राज के फादर, वो उसे एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो गए। अपोलोजाइज करा था अपनी गलतियों पे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई फिर से, उन्होंने एक्सेप्ट करी अपनी गलतियाँ और अपना फॉल्ट भी माना। और जैसे ही माला कॉन्शियसनेस में आई, उन्होंने अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुर को बचाया, और झूठ बोलते हुए इंसिडेंट के बारे में काफ़ी हेल्प करी अपनी फैमिली की। उसी नेचर को देखते हुए फैमिली का बिहेवियर भी चेंज हुआ, और राज के फादर का बिहेवियर भी चेंज हुआ। जैसे कि शादी एक माला ने चाही थी वो फिर से हुई, और बिल्कुल सेम मैनर में। हालांकि पहला अटेम्प्ट काफ़ी नेगेटिव वे में रहा था, नफरत भरा रहा, और बीच बीच में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही थी कपल के बीच में, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद फैमिली और राज दोनों ही बिल्कुल ही चेंज हो गए थे, और फैमिली ने दोनों की शादी बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वे में करी, पूरी सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करते हुए। दोस्तों, जैसे कि हमने जाना पिक्चर में सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया गया है, जो कि एक क्राइम है, हो सकता है इसी बेसिस पे जिस कहीं या फिर टॉपिक को लेकर ऑडियंस की तरफ से मूवी को ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं मिले हैं, क्रिटिसाइज करा गया है इस टॉपिक को लेकर, और जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है सोसाइटी में। अगर बात करी जाए पिक्चर की प्लॉटिंग को लेकर, तो पिक्चर में कास्ट करे गए एक्टर्स काफ़ी, कुछ एक्टर्स का डेब्यू हुआ है तो कुछ एक्टर्स सीरियस भी रहे हैं, या फिर बोले तो एक्सपीरियंस होल्डर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जो काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं एक्टिंग को। बात यहाँ पे अगर करी जाए एक्टर्स के अलावा प्लॉटिंग की, तो पिक्चर की प्लॉटिंग स्क्रीन पे इससे और अच्छी हो सकती थी। जो एक सोशल टॉपिक था सेक्सुअल असॉल्ट का, वो पॉजिटिव वे में ऑडियंस के बीच लाया जा सकता था कि कैसे उसे प्रिवेंट करा जा सकता है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाया अपोजिट बिल्कुल। पहले तो जिस बंदे से सेक्सुअल असॉल्ट करा था उसी बंदे से प्यार हो रहा है और उसी बंदे से शादी हो रही है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर सकता है सोसाइटी पे। तो पब्लिक ने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हो सकता है ज़्यादा रिव्यूज़ ना दिए, और क्रिटिकली अक्लेम भी करा है। हम बात करें पिक्चर की रेटिंग की, तो पिक्चर में रेटिंग दी गई 5, प्लॉटिंग को रेटिंग दी
ऑलमोस्ट 2 रेटिंग गई है 5 में से। परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज 1 दिया है, 1 स्टार दिया है 5 में से। सेम गया म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी के लिए। एज एन एवरेज बात करें तो होल कॉन्सेप्ट बेस करता है स्क्रीन प्ले पे। हालांकि एक सोशल टॉपिक है जिसको एक अनजस्टिफाइड वे में रिप्रेजेंट करा गया है ऑडियंस के बीच। अगर प्लॉटिंग अच्छे से होती, स्क्रीन प्ले और इम्प्रूव होता तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाती एज कंपैरेटिवली प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। बात करें अगर हम पिक्चर की बजट की, तो दोस्तों पिक्चर का बजट था 2 करोड़ का और ऑफिस बॉक्स ऑफिस इंडिया पे पिक्चर ने अर्न करे थे 3 करोड़। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करा 6 करोड़। एज पर अगर वीकली बात करें तो फर्स्ट डे में कलेक्ट करा था 0.17 करोड़, तो वहीं पिक्चर ने फर्स्ट वीकेंड पे अर्न करा 0.56 करोड़। तो ओवरऑल पिक्चर का अर्न हुआ था नेट में, इंडिया की बात करें लाइफ टाइम में, टिल द टाइम तो रहा 3 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड में रहा था 6 करोड़ का, जिसको एडजस्ट करा गया था इन्फ्लेशन को लेकर। जैसे कि पिक्चर का जनर था ड्रामा और रोमांस, तो इसको और अच्छे से स्क्रीन प्ले पे लाया जा सकता था एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। तो जैसे कि आज के टाइम पे मोस्ट टीनेज मूवीज देखती है और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है ऑडियंस के बीच में। खाली टीनेज ही नहीं, काफ़ी सिटीजन्स मूवी देखते हैं तो सबके बीच में एक पर्सपेक्टिव जाता है, हर किसी का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कि पिक्चर को हिट और फ्लॉप करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। तो वहीं अगर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ पिक्चर का स्क्रीन प्ले लिखा जाएगा तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाएगी और ना ही केवल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे बल्कि इंटरनेशनल वे में भी, इंटरनेशनल भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस कंसिडर करी जाती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है पिक्चर के स्क्रीन प्ले का, एडिटिंग का और कहीं ना कहीं एक्टर्स का जो कि उसमें कास्ट करे जा रहे हैं, क्या वो उसके लिए सुटेबल हैं या नहीं, क्या वो अच्छे से रोल प्ले कर पाएंगे, ये सब भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रखता है एक पिक्चर के स्क्रीन प्ले को लेकर। तो जैसे कि हमने जाना था शुरुआत में कि रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही थी और रानी मुखर्जी ने साथ साथ एक तमिल फिल्म भी करी थी जो कि उनके फादर की प्रोडक्शन हाउस की ही रही थी, दोनों का ही वो साथ ही साथ शूटअप भी कर रही थी। तो बात यहाँ पे रानी मुखर्जी के अलावा स्क्रीन प्ले पर है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस ये भी सोचती है कि अगर एक ही एक्ट्रेस या एक्टर साइड बाय साइड मूवी कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा हो, बट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्क्रीन प्ले का। एज हर डेब्यू उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस किरदार को निभाया था, एक जान डाल दी थी उस किरदार में, बिल्कुल एज अ लाइफ उसको डिपिक्ट करा था। अगर बात करें उनके अपोजिट एक्टर शादाब खान की, तो उनकी डेब्यू मूवी रही थी बेताबी और राजा की आएगी की बारात उनकी सेकेंड मूवी रही, जिसमें कि एज पर एक्टिंग उन्होंने काफ़ी फिल्म्स भी करी है और कुछ कहीं ना कहीं उनकी शॉर्ट फिल्म्स भी रही हैं। ना ही केवल एक्टर बल्कि बतौर डायरेक्टर और राइटर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और साथ ही साथ 2020 ईयर में दिखाई दिए हैं टेलीविजन में इन द स्कैम 1992 में। अगर बात करें जाए फिल्म में रोल अंकल का रोल प्ले करने की, तो वो रोल प्ले करा था गुलशन ग्रोवर ने और एज पर हिज फिल्मी बैकग्राउंड बोला जा सकता है या फिर उनका एक्सपीरियंस फिल्मी एरा में, उन्होंने ओवर 400 फिल्म्स करी हैं। मोस्टली उनकी फिल्म्स रही है एज अ टाइटल ऑफ बैड मैन या फिर उनका इम्पैक्ट रहा है नेगेटिव रोल्स के लिए, जिसमें कि जिसके वजह से ही वो बॉलीवुड में फेमस रही हैं और अपना एक नाम कमाया है, उन्हें बैड मैन के नाम से ही जाना जाता है बॉलीवुड में।
दोस्तों जानेंगे फिल्म राजा की आएगी बारात के बारे में, जो कि एक एवरेज फिल्म रही है। ऑडियंस के बीच कुछ खास पसंद नहीं करा गया है और रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही हिंदी सिनेमा में। साथ ही साथ उन्होंने तमिल फिल्म में भी डेब्यू करा था, जो कि उनके फादर की होम प्रोडक्शन की रही है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या रहा फिल्म में जो कि ऑडियंस ने इतना कुछ खास पसंद नहीं करा है। एक स्टोरी लाइन रही स्कूल टीचर की, जो कि इनोसेंट थी लेकिन फिर भी उनका रेप हुआ। जानेंगे ऐसी क्या वजह रही इनोसेंट होने के बाद भी उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। माला जो कि यंग स्कूल टीचर थी, एक आइडियलिस्टिक थी, फ्यूचर को लेकर अपने उनका एक लव अफेयर था विद काफ़ी बड़ी फैमिली के साथ। काफ़ी उनका ड्रीम था कि जैसे हर लड़की का ड्रीम होता है उसी तरीके से उनका भी ड्रीम था। तो उसी दौरान उनकी फ्रेंड कन्फाइन कर देती है अपना रिलेशनशिप एक अमीर लड़की के साथ, और साथ ही साथ उनके साथ शेयर करती है इंटीमेट होने के बारे में। हालांकि उसने प्रॉमिस करा था, लेकिन अब वो शादी किसी और से कर रहा है। माला यानी कि जो स्कूल टीचर थी अपने ड्रीम्स को लेकर काफ़ी पैशनेट थी। उन्होंने कंपनी दी अपनी फ्रेंड को, वहीं पहुंच गई थी जहाँ पे वो लड़का शादी कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करा था, और वहीं जाके उन्हें स्लैप लगाया और उन्हें उनकी मिस्टेक के बारे में समझाया। लेकिन समझाने में तो फेल हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं शादी रोकने में कामयाब भी हो गई और सच्चाई पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने बताई। उसी दौरान जो दूल्हा था उसका भाई सामने आता है और लड़की को काफ़ी इंसल्ट करता है पब्लिक के सामने और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है, मारता है, रेप करा उसका। जिसके दौरान माला जो है काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, उसकी फैमिली शॉक में आ गई थी। पुलिस केस भी हुआ जिसमें कि पुलिस ने अरेस्ट भी करा था। हालांकि राज जिसने कि मारपीट करी थी, रेप करा था, उसके फादर जैसे कि अमीर बाप होने के बाद पावर को यूज़ करते हुए उसे ब्राइब करा, यानी कि माला की फैमिली को ब्राइब करते हुए केस को रफा दफा कर दिया। और कहीं ना कहीं कोशिश करी थी उन्होंने केस को रफा दफा, नाकामयाब रहे क्योंकि उसके फादर ने कोशिश करी थी माला के पेरेंट्स को, गार्जियंस को ब्राइब करने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान कोर्ट में जाते हैं और केस फाइल करते हैं अगेंस्ट राज, और एज पर जज कंसिडर करा गया था शादी करने के लिए कि 24 घंटे के अंदर शादी कर दे उसकी, नहीं तो उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ी थी। राज यानी कि जिसने रेप करा था उसने काफ़ी सारे अटेम्प्ट करे थे माला को मारने के लिए, लेकिन वो उस अटेम्प्ट में भी फेल हो गया, नहीं मार पाया। उसी दौरान शादी हो जाती है, लेकिन माला फैमिली भी चली जाती है राज की। फैमिली भी काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करती है और उसके फादर जो है इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं अपनी फैमिली को माला को टॉर्चर करने के लिए। एज पर इस इंस्ट्रक्शंस उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है माला को, और प्लॉटिंग करी थी उसकी सिस्टर ने उसे मारने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी वेल्थ को लेकर लालच था। जब उसके फादर अब्रॉड चले गए तो उसी दौरान राज के बहन भाई काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग करते हैं उसे घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन राज के जो अंकल थे उन्होंने इन सब चीज़ों को रोका और प्लान करा था उनके लिए ट्रिप एज अ कपल ट्रिप, जिसमें के पीछे उनकी भी कुछ ना कुछ साजिश थी उसको मारने की। राज के अंकल उसी दौरान मतलब काफ़ी पॉजिटिव वे में अपनी तरफ अपने काबू में करके माला को अपना पॉजिटिव पॉइंट अच्छापन दिखाते हुए माला को अपनी साइड करा। तभी जो है माला बाथरूम में होती है, चार लेडी होती है, उन्होंने उसके कमरे में सांप छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा कि वो उसे मारने के लिए अटेम्प्ट जो ले रहे हैं उसमें वो
पास हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सांप से वो ही फेंट हो गए थे। हालांकि फेंट माला हुई थी, लेकिन सांप ने उन्हें काट लिया था पैर पर। जैसे ही वो चीखे तो माला उनकी आवाज से उठ गई। एज पर माला का इंटेंशन खराब नहीं था, उसका इंटेंशन बहुत सही था। जो भी उसके साथ फैमिली में हो रहा था, उसके बावजूद भी उसने उनकी हेल्प करी सांप का जहर निकालने में, और काफ़ी अच्छे एटीट्यूड के साथ उन्हें खड़ा करा और बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हुए की मदद करी उससे रिलीफ होने में। हालांकि सांप से कटवाने में वो फेल रहे, तो उन्होंने अलग एक और प्लानिंग करी माला को मारने की, जो कि उन्होंने मदद ली थी गैस एक्सप्लोजन की घर में करने के लिए। बट अनएक्सपेक्टेडली जिसको मारना चाहा था वो तो बच गई थी, और उनके नियर वंस यानी कि उनकी फैमिली मेम्बर ही, उनकी राज की सिस्टर किचन में गई थी, उन्होंने स्टोव ऑन करा तो तभी ब्लास्ट हो गया था, तो उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। जिसको कि एक मैसेज देते हुए दिखाया है पिक्चर में, तो जिसके लिए कुआ खोदता है वो उसी में गिरता है। अपनी बेटी के फ्यूनरल पे जैसे ही राज के फादर आते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं राज के साथ उसको बचाने के चक्कर में। हालांकि माला भी इंजर्ड हुई थी, लेकिन उसकी अच्छाई ने उसे मतलब फैमिली को ही चेंज कर दिया, और जो फैमिली का पर्सपेक्टिव था कहीं ना कहीं वो भी चेंज हुआ माला की क्रिटिकल कंडीशन को लेते हुए। एज माला को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी, और फैमिली के इल और टेरिबल ट्रीटमेंट के बावजूद भी जो उसके फादर थे यानी कि राज के फादर, वो उसे एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो गए। अपोलोजाइज करा था अपनी गलतियों पे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई फिर से, उन्होंने एक्सेप्ट करी अपनी गलतियाँ और अपना फॉल्ट भी माना। और जैसे ही माला कॉन्शियसनेस में आई, उन्होंने अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुर को बचाया, और झूठ बोलते हुए इंसिडेंट के बारे में काफ़ी हेल्प करी अपनी फैमिली की। उसी नेचर को देखते हुए फैमिली का बिहेवियर भी चेंज हुआ, और राज के फादर का बिहेवियर भी चेंज हुआ। जैसे कि शादी एक माला ने चाही थी वो फिर से हुई, और बिल्कुल सेम मैनर में। हालांकि पहला अटेम्प्ट काफ़ी नेगेटिव वे में रहा था, नफरत भरा रहा, और बीच बीच में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही थी कपल के बीच में, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद फैमिली और राज दोनों ही बिल्कुल ही चेंज हो गए थे, और फैमिली ने दोनों की शादी बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वे में करी, पूरी सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करते हुए। दोस्तों, जैसे कि हमने जाना, पिक्चर में सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया गया है जो कि एक क्राइम है। हो सकता है इसी बेसिस पे कहीं या फिर टॉपिक को लेकर ऑडियंस की तरफ से मूवी को ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं मिले हैं, क्रिटिसाइज करा गया है इस टॉपिक को लेकर, और जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है सोसाइटी में। अगर बात करी जाए पिक्चर की प्लॉटिंग को लेकर, तो पिक्चर में कास्ट करे गए एक्टर्स काफ़ी, कुछ एक्टर्स का डेब्यू हुआ है तो कुछ एक्टर्स सीनियर्स भी रहे हैं, या फिर बोले तो एक्सपीरियंस होल्डर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जो काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं एक्टिंग को। बात यहाँ पे अगर करी जाए एक्टर्स के अलावा प्लॉटिंग की, तो पिक्चर की प्लॉटिंग स्क्रीन पे इससे और अच्छी हो सकती थी। जो एक सोशल टॉपिक था सेक्सुअल असॉल्ट का, वो पॉजिटिव वे में ऑडियंस के बीच लाया जा सकता था कि कैसे उसे प्रिवेंट करा जा सकता है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाया अपोजिट बिल्कुल, पहले तो जिस बंदे से सेक्सुअल असॉल्ट करा था उसी बंदे से प्यार हो रहा है और उसी बंदे से शादी हो रही है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर सकता है सोसाइटी पे। तो पब्लिक ने इसी मोस्टली इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हो सकता है ज़्यादा रिव्यूज ना दिए और क्रिटिकली अक्लेम भी करा है। अगर बात करें पिक्चर की रेटिंग की, तो पिक्चर में रेटिंग दी गई आउट ऑफ 5, प्लॉटिंग को रेटिंग दी
ऑलमोस्ट 2 रेटिंग गई है 5 में से। परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज 1 दिया है, 1 स्टार दिया है 5 में से। सेम गया म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी के लिए। एज एन एवरेज बात करें तो होल कॉन्सेप्ट बेस करता है स्क्रीन प्ले पे। हालांकि एक सोशल टॉपिक है जिसको एक अनजस्टिफाइड वे में रिप्रेजेंट करा गया है ऑडियंस के बीच। अगर प्लॉटिंग अच्छे से होती, स्क्रीन प्ले और इम्प्रूव होता तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाती एज कंपैरेटिवली प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। बात करें अगर हम पिक्चर की बजट की, तो दोस्तों पिक्चर का बजट था 2 करोड़ का और ऑफिस बॉक्स ऑफिस इंडिया पे पिक्चर ने अर्न करे थे 3 करोड़। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करा 6 करोड़। एज पर अगर वीकली बात करें तो फर्स्ट डे में कलेक्ट करा था 0.17 करोड़, तो वहीं पिक्चर ने फर्स्ट वीकेंड पे अर्न करा 0.56 करोड़। तो ओवरऑल पिक्चर का अर्न हुआ था नेट में, इंडिया की बात करें लाइफ टाइम में, टिल द टाइम तो रहा 3 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड में रहा था 6 करोड़ का, जिसको एडजस्ट करा गया था इन्फ्लेशन को लेकर। जैसे कि पिक्चर का जनर था ड्रामा और रोमांस, तो इसको और अच्छे से स्क्रीन प्ले पे लाया जा सकता था एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। तो जैसे कि आज के टाइम पे मोस्ट टीनेज मूवीज देखती है और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है ऑडियंस के बीच में। खाली टीनेज ही नहीं, काफ़ी सिटीजन्स मूवी देखते हैं तो सबके बीच में एक पर्सपेक्टिव जाता है, हर किसी का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो कि पिक्चर को हिट और फ्लॉप करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। तो वहीं अगर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ पिक्चर का स्क्रीन प्ले लिखा जाएगा तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाएगी और ना ही केवल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे बल्कि इंटरनेशनल वे में भी, इंटरनेशनल भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस कंसिडर करी जाती है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है पिक्चर के स्क्रीन प्ले का, एडिटिंग का और कहीं ना कहीं एक्टर्स का जो कि उसमें कास्ट करे जा रहे हैं, क्या वो उसके लिए सुटेबल हैं या नहीं, क्या वो अच्छे से रोल प्ले कर पाएंगे, ये सब भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रखता है एक पिक्चर के स्क्रीन प्ले को लेकर। तो जैसे कि हमने जाना था शुरुआत में कि रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही थी और रानी मुखर्जी ने साथ साथ एक तमिल फिल्म भी करी थी जो कि उनके फादर की प्रोडक्शन हाउस की ही रही थी, दोनों का ही वो साथ ही साथ शूटअप भी कर रही थी। तो बात यहाँ पे रानी मुखर्जी के अलावा स्क्रीन प्ले पर है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस ये भी सोचती है कि अगर एक ही एक्ट्रेस या एक्टर साइड बाई साइड मूवी कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा हो, बट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्क्रीन प्ले का। एज हर डेब्यू उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस किरदार को निभाया था, एक जान डाल दी थी उस किरदार में, बिल्कुल एज अ लाइफ उसको डिपिक्ट करा था। अगर बात करें उनके अपोजिट एक्टर शादाब खान की, तो उनकी डेब्यू मूवी रही थी बेताबी और राजा के आएगी की बारात उनकी सेकेंड मूवी रही, जिसमें कि एज पर एक्टिंग उन्होंने काफ़ी फिल्म्स भी करी हैं और कुछ कहीं ना कहीं उनकी शॉर्ट फिल्म्स भी रही हैं, ना ही केवल एक्टर बल्कि बतौर डायरेक्टर और राइटर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और साथ ही साथ 2020 ईयर में दिखाई दिए हैं टेलीविजन में इन द स्कैम 1992 में। अगर बात करें जाए फिल्म में रोल अंकल का रोल प्ले करने की, तो वो रोल प्ले करा था गुलशन ग्रोवर ने और एज पर हिज फिल्मी बैकग्राउंड बोला जा सकता है या फिर उनका एक्सपीरियंस फिल्मी एरा में, उन्होंने ओवर 400 फिल्म्स करी हैं। मोस्टली उनकी फिल्म्स रही है एज अ टाइटल ऑफ बैड मैन या फिर उनका इम्पैक्ट रहा है नेगेटिव रोल्स के लिए, जिसमें कि जिसके वजह से ही वो बॉलीवुड में फेमस रही हैं और इतना एक नाम कमाया है, उन्हें बैड मैन के नाम से ही जाना जाता है बॉलीवुड में।
दोस्तों जानेंगे फिल्म राजा की आएगी बारात के बारे में, जो कि एक एवरेज फिल्म रही है। ऑडियंस के बीच कुछ खास पसंद नहीं करा गया है। और रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही हिंदी सिनेमा में, साथ ही साथ उन्होंने तमिल फिल्म में भी डेब्यू करा था, जो कि उनके फादर की होम प्रोडक्शन की रही है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या रहा फिल्म में जो कि ऑडियंस ने इतना कुछ खास पसंद नहीं करा है। एक स्टोरी लाइन रही स्कूल टीचर की, जो कि इनोसेंट थी लेकिन फिर भी उनका रेप हुआ। जानेंगे ऐसी क्या वजह रही इनोसेंट होने के बाद भी उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। माला जो कि यंग स्कूल टीचर थी, एक आइडियलिस्टिक थी फ्यूचर को लेकर। अपने उनका एक लव अफेयर था विद अ काफ़ी बड़ी फैमिली के साथ। काफ़ी उनका ड्रीम था कि जैसे हर लड़की का ड्रीम होता है, उसी तरीके से उनका भी ड्रीम था। तो उसी दौरान उनकी फ्रेंड कन्फाइन कर देती है अपना रिलेशनशिप एक अमीर लड़की के साथ, और साथ ही साथ उनके साथ शेयर करती है इंटीमेट होने के बारे में। हालांकि उसने प्रॉमिस करा था, लेकिन अब वो शादी किसी और से कर रहा है। माला यानी कि जो स्कूल टीचर थी, अपने ड्रीम्स को लेकर काफ़ी पैशनेट थी। उन्होंने कंपनी दी अपनी फ्रेंड को, वहीं पहुंच गई थी जहाँ पे वो लड़का शादी कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा डिफेंड कर रहा था, और वहीं जाके उन्हें स्लैप लगाया और उन्हें उनकी मिस्टेक के बारे में समझाया। लेकिन समझाने में तो फेल हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं शादी रोकने में कामयाब भी हो गई और सच्चाई पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने बताई। उसी दौरान जो दूल्हा था उसका भाई सामने आता है और लड़की को काफ़ी इंसल्ट करता है पब्लिक के सामने, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है, मारता है, रेप करा उसका। जिसके दौरान माला जो है काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, उसकी फैमिली शॉक में आ गई थी। पुलिस केस भी हुआ जिसमें कि पुलिस ने अरेस्ट भी करा था। हालांकि राज जिसने कि मारपीट करी थी, रेप करा था, उसके फादर जैसे कि अमीर बाप होने के बाद पावर को यूज़ करते हुए उसे ब्राइब करा, यानी कि माला की फैमिली को ब्राइब करते हुए केस को रफा दफा कर दिया। और कहीं ना कहीं कोशिश करी थी उन्होंने केस को रफा, तो नाकामयाब रहे क्योंकि उसके फादर ने कोशिश करी थी माला के पेरेंट्स को, गार्जियंस को ब्राइब करने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान कोर्ट में जाते हैं और केस फाइल करते हैं अगेंस्ट राज, और एज पर जज कंसिडर करा गया था शादी करने के लिए कि 24 घंटे के अंदर शादी कर दे उसकी, नहीं तो उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ी थी। राज यानी कि जिसने रेप करा था, उसने काफ़ी सारे अटेम्प्ट करे थे माला को मारने के लिए, लेकिन वो उस अटेम्प्ट में भी फेल हो गया, नहीं मार पाया। उसी दौरान शादी हो जाती है, लेकिन माला फैमिली भी चली जाती है। राज की फैमिली भी काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करती है, और उसके फादर जो है इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं अपनी फैमिली को माला को टॉर्चर करने के लिए। एज पर इस इंस्ट्रक्शंस उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है माला को, और प्लॉटिंग करी थी उसकी सिस्टर ने उसे मारने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी वेल्थ को लेकर लालच था। जब उसके फादर अब्रॉड चले गए, तो उसी दौरान राज के बहन भाई काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग करते हैं उसे घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन राज के जो अंकल थे उन्होंने इन सब चीज़ों को रोका और प्लान करा था उनके लिए ट्रिप एज अ कपल ट्रिप, जिसमें के पीछे उनकी भी कुछ ना कुछ साजिश थी उसको मारने की। राज के अंकल उसी दौरान मतलब काफ़ी पॉजिटिव वे में अपनी तरफ अपने काबू में करके माला को अपना पॉजिटिव पॉइंट अच्छापन दिखाते हुए माला को अपनी साइड करा। तभी जो है माला बाथरूम में होती है, चार ले रही होती है, उन्होंने उसके कमरे में सांप छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा कि वो उसे मारने के लिए अटेम्प्ट जो ले रहे हैं उसमें वो
पास हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सांप से वो ही फेंट हो गए थे। हालांकि फेंट माला हुई थी, लेकिन सांप ने उन्हें काट लिया था पैर पर। जैसे ही वो चीखे तो माला उनकी आवाज से उड़ गई। एज पर माला का इंटेंशन खराब नहीं था, उसका इंटेंशन बहुत सही था। जो भी उसके साथ फैमिली में हो रहा था, उसके बावजूद भी उसने उनकी हेल्प करी सांप का जहर निकालने में, और काफ़ी अच्छे एटीट्यूड के साथ उन्हें खड़ा करा और बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हुए उनकी मदद करी उससे रिलीफ होने में। हालांकि सांप से कटवाने में वो फेल रहे, तो उन्होंने अलग एक और प्लानिंग करी माला को मारने की, जो कि उन्होंने मदद ली थी गैस एक्सप्लोजन की घर में करने के लिए। बट अनएक्सपेक्टेडली जिसको मारना चाहा था वो तो बच गई थी, और उनके नियर वंस यानी कि उनकी फैमिली मेम्बर ही, उनकी राज की सिस्टर किचन में गई थी, उन्होंने स्टोव ऑन करा तो तभी ब्लास्ट हो गया था, तो उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। जिसको कि एक मैसेज देते हुए दिखाया है पिक्चर में, जो जिसके लिए कुआ खोदता है वो उसी में गिरता है। अपनी बेटी के फ्यूनरल पे जैसे ही राज के फादर आते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं राज के साथ उसको बचाने के चक्कर में। हालांकि माला भी इंजर्ड हुई थी, लेकिन उसकी अच्छाई ने उसे मतलब फैमिली को ही चेंज कर दिया, और जो फैमिली का पर्सपेक्टिव था कहीं ना कहीं वो भी चेंज हुआ माला की क्रिटिकल कंडीशन को लेते हुए। एज माला को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी, और फैमिली के इल और टेरिबल ट्रीटमेंट के बावजूद भी जो उसके फादर थे यानी कि राज के फादर, वो उसे एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो गए। अपोलोजाइज कर रहा था अपनी गलतियों पे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई फिर से, उन्होंने एक्सेप्ट करी अपनी गलतियाँ और अपना फॉल्ट भी माना। और जैसे ही माला कॉन्शियसनेस में आई, उन्होंने अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुर को बचाया, और झूठ बोलते हुए इंसिडेंट के बारे में काफ़ी हेल्प करी अपनी फैमिली की। उसी नेचर को देखते हुए फैमिली का बिहेवियर भी चेंज हुआ, और राज के फादर का बिहेवियर भी चेंज हुआ। जैसे कि शादी एक माला ने चाही थी वो फिर से हुई, और बिल्कुल सेम मैनर में। हालांकि पहला अटेम्प्ट काफ़ी नेगेटिव वे में रहा था, नफरत भरा रहा, और बीच बीच में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही थी कपल के बीच में, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद फैमिली और राज दोनों ही बिल्कुल ही चेंज हो गए थे, और फैमिली ने दोनों की शादी बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वे में करी पूरी सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करते हुए। दोस्तों, जैसे कि हमने जाना पिक्चर में सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया गया है, जो कि एक क्राइम है। हो सकता है इसी बेसिस पे कहें या फिर टॉपिक को लेकर ऑडियंस की तरफ से मूवी को ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं मिले हैं, क्रिटिसाइज करा गया है इस टॉपिक को लेकर, और जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है सोसाइटी में। अगर बात करी जाए पिक्चर की प्लॉटिंग को लेकर, तो पिक्चर में कास्ट करे गए एक्टर्स काफ़ी, कुछ एक्टर्स का डेब्यू हुआ है तो कुछ एक्टर्स सीनियर्स भी रहे हैं, या फिर बोले तो एक्सपीरियंस होल्डर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जो काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं एक्टिंग को। बात यहाँ पे अगर करी जाए एक्टर्स के अलावा प्लॉटिंग की, तो पिक्चर की प्लॉटिंग स्क्रीन पे इससे और अच्छी हो सकती थी। जो एक सोशल टॉपिक था सेक्सुअल असॉल्ट का, वो पॉजिटिव वे में ऑडियंस के बीच लाया जा सकता था कि कैसे उसे प्रिवेंट करा जा सकता है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाया अपोजिट बिल्कुल। पहले तो जिस बंदे से सेक्सुअल असॉल्ट करा था उसी बंदे से प्यार हो रहा है और उसी बंदे से शादी हुई, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर सकता है सोसाइटी पे। तो पब्लिक ने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हो सकता है ज़्यादा रिव्यूज ना दिए और क्रिटिकली अक्लेम भी करा है। मैम, बात करें पिक्चर की रेटिंग की, तो पिक्चर में रेटिंग दी गई आउट ऑफ 5, प्लॉटिंग को रेटिंग दी
ऑलमोस्ट 2 रेटिंग गई है 5 में से। परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज 1 दिया है, 1 स्टार दिया है 5 में से। सेम गया म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी के लिए। एज एन एवरेज बात करें तो होल कॉन्सेप्ट बेस करता है स्क्रीन प्ले पे। हालांकि एक सोशल टॉपिक है जिसको एक अनजस्टिफाइड वे में रिप्रेजेंट करा गया है ऑडियंस के बीच। अगर प्लॉटिंग अच्छे से होती, स्क्रीन प्ले और इम्प्रूव होता तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाती एज कंपैरेटिवली प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। बात करें अगर हम पिक्चर की बजट की तो दोस्तों पिक्चर का बजट था 2 करोड़ का और ऑफिस बॉक्स ऑफिस इंडिया पे पिक्चर ने अर्न करे थे 3 करोड़। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करा 6 करोड़। एज पर अगर वीकली बात करें तो फर्स्ट डे ने कलेक्ट करा था 0.17 करोड़, तो वहीं पिक्चर ने फर्स्ट वीकेंड पे अर्न करा 0.56 करोड़। तो ओवरऑल पिक्चर का अर्न हुआ था नेट में इंडिया की बात करें लाइफ टाइम में टिल द टाइम तो रहा 3 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड में रहा था 6 करोड़ का, जिसको एडजस्ट करा गया था इन्फ्लेशन को लेकर। जैसे कि पिक्चर का जेनर था ड्रामा और रोमांस, तो इसको और अच्छे से स्क्रीन प्ले पे लाया जा सकता था एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। तो जैसे कि आज के टाइम पे मोस्ट टीनेज मूवीज देखती है और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है ऑडियंस के बीच में। खाली टीनेज ही नहीं, काफ़ी सिटीजन्स मूवी देखते हैं तो सबके बीच में एक पर्सपेक्टिव जाता है। हर किसी का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कि पिक्चर को हिट और फ्लॉप करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। तो वहीं अगर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ पिक्चर का स्क्रीन प्ले लिखा जाएगा तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाएगी और ना ही केवल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे बल्कि इंटरनेशनल वेव में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस कंसिडर करी जाती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है पिक्चर के स्क्रीन प्ले का, एडिटिंग का और कहीं ना कहीं एक्टर्स का जो कि उसमें कास्ट करे जा रहे हैं क्या वो उसके लिए सुटेबल हैं या नहीं, क्या वो अच्छे से रोल प्ले कर पाएंगे, ये सब भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रखता है एक पिक्चर के स्क्रीन प्ले को लेकर। तो जैसे कि हमने जाना था शुरुआत में कि रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही थी और रानी मुखर्जी ने साथ साथ एक तमिल फिल्म भी करी थी जो कि उनके फादर की प्रोडक्शन हाउस की ही रही थी। दोनों का ही वो साथ ही साथ शूटअप भी कर रही थी। तो बात यहाँ पे रानी मुखर्जी के अलावा स्क्रीन प्ले पर है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस ये भी सोचती है कि अगर एक ही एक्ट्रेस या एक्टर साइड बाई साइड मूवी कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा हो, बट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्क्रीन प्ले का। एज अ डेब्यू उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस किरदार को निभाया था, एक जान डाल दी थी उस किरदार में, बिल्कुल एज अ लाइफ उसको डिपिक्ट करा था। अगर बात करें उनके अपोजिट एक्टर शादाब खान की तो उनकी डेब्यू मूवी रही थी बेताबी और राजा की आएगी की बारात उनकी सेकेंड मूवी रही, जिसमें कि एज पर एक्टिंग उन्होंने काफ़ी फिल्म्स भी करी हैं और कुछ कहीं ना कहीं उनकी शॉर्ट फिल्म्स भी रही हैं। ना ही केवल एक्टर बल्कि बतौर डायरेक्टर और राइटर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और साथ ही साथ 2020 ईयर में दिखाई दिए हैं टेलीविजन में इन द स्कैम 1992 में। अगर बात करी जाए फिल्म में रोल अंकल का रोल प्ले करने की तो वो रोल प्ले करा था गुलशन ग्रोवर ने और एज पर इज फिल्मी बैकग्राउंड बोला जा सकता है या फिर उनका एक्सपीरियंस फिल्मी एरा में उन्होंने ओवर 400 फिल्म्स करी हैं। मोस्टली उनकी फिल्म्स रही है एज अ टाइटल ऑफ बैड मैन या फिर उनका इम्पैक्ट रहा है नेगेटिव रोल्स के लिए जिसके वजह से ही वो बॉलीवुड में फेमस रही हैं और इतना एक नाम कमाया है, उन्हें बैटमैन के नाम से ही जाना जाता है बॉलीवुड में।
दोस्तों जानेंगे फिल्म राजा की आएगी बारात के बारे में, जो कि एक एवरेज फिल्म रही है, ऑडियंस के बीच कुछ खास पसंद नहीं करा गया है। और रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही हिंदी सिनेमा में, साथ ही साथ उन्होंने तमिल फिल्म में भी डेब्यू करा था, जो कि उनके फादर की होम प्रोडक्शन की रही है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या रहा फिल्म में जो कि ऑडियंस ने इतना कुछ खास पसंद नहीं करा है। एक स्टोरी लाइन रही स्कूल टीचर की, जो कि इनोसेंट थी लेकिन फिर भी उनका रेप हुआ। जानेंगे ऐसी क्या वजह रही इनोसेंट होने के बाद भी उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। माला जो कि यंग स्कूल टीचर थी, एक आइडियलिस्टिक थी, फ्यूचर को लेकर अपने उनका एक लव अफेयर था विद अ काफ़ी बड़ी फैमिली के साथ, काफ़ी उनका ड्रीम था कि जैसे हर लड़की का ड्रीम होता है उसी तरीके से उनका भी ड्रीम था। तो उसी दौरान उनकी फ्रेंड कन्फाइन कर देती है अपना रिलेशनशिप एक अमीर लड़की के साथ, और साथ ही साथ उनके साथ शेयर करती है इंटीमेट होने के बारे में। हालांकि उसने प्रॉमिस करा था, लेकिन अब वो शादी किसी और से कर रहा है। माला यानी कि जो स्कूल टीचर थी अपने ड्रीम्स को लेकर काफ़ी पैशनेट थी। उन्होंने कंपनी दी अपनी फ्रेंड को, वहीं पहुंच गई थी जहाँ पे वो लड़का शादी कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा डिफेंड कर रहा था, और वहीं जाके उन्हें स्लैप लगाया और उन्हें उनकी मिस्टेक के बारे में समझाया। लेकिन समझाने में तो फेल हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं शादी रोकने में कामयाब भी हो गई और सच्चाई पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने बताई। उसी दौरान जो दूल्हा था उसका भाई सामने आता है और लड़की को काफ़ी इंसल्ट करता है पब्लिक के सामने, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है, मारता है, रेप करा उसका, जिसके दौरान माला जो है काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। उसकी फैमिली शॉक में आ गई थी। पुलिस केस भी हुआ जिसमें कि पुलिस ने अरेस्ट भी करा था। हालांकि राज जिसने कि मारपीट करी थी, रेप करा था, उसके फादर जैसे कि अमीर बाप होने के बाद पावर को यूज़ करते हुए उसे ब्राइब करा, यानी कि माला की फैमिली को ब्राइब करते हुए केस को रफा दफा कर दिया। कहीं ना कहीं कोशिश करी थी उन्होंने केस को रफा, तो नाकामयाब रहे क्योंकि उसके फादर ने कोशिश करी थी माला के पेरेंट्स को, गार्जियंस को ब्राइब करने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान कोर्ट में जाते हैं और केस फाइल करते हैं अगेंस्ट राज, और एज पर जज कंसिडर करा गया था शादी करने के लिए कि 24 घंटे के अंदर शादी कर दें उसकी, नहीं तो उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी थी। राज यानी कि जिसने रेप करा था उसने काफ़ी सारे अटेम्प्ट करे थे माला को मारने के लिए, लेकिन वो उस अटेम्प्ट में भी फेल हो गया, नहीं मार पाया। उसी दौरान शादी हो जाती है, लेकिन माला फैमिली में भी चली जाती है। राज की फैमिली भी काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करती है, और उसके फादर जो है इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं अपनी फैमिली को माला को टॉर्चर करने के लिए। एज पर इस इंस्ट्रक्शंस उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है माला को, और प्लॉटिंग करी थी उसकी सिस्टर ने उसे मारने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी वेल्थ को लेकर लालच था। जब उसके फादर अब्रॉड चले गए तो उसी दौरान राज के बहन भाई काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग करते हैं उसे घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन राज के जो अंकल थे उन्होंने इन सब चीज़ों को रोका और प्लान करा था उनके लिए ट्रिप एज अ कपल ट्रिप, जिसमें के पीछे उनकी भी कुछ ना कुछ साजिश थी उसको मारने की। राज के अंकल उसी दौरान मतलब काफ़ी पॉजिटिव वे में अपनी तरफ अपने काबू में करके माला को अपना पॉजिटिव पॉइंट अच्छापन दिखाते हुए माला को अपनी साइड करा। तभी जो है माला बाथरूम में होती है, चार ले रही होती है, उन्होंने उसके कमरे में सांप छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा कि वो उसे मारने के लिए अटेम्प्ट जो ले रही हैं उसमें वो
पास हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सांप से वो ही फेंट हो गए थे। हालांकि फेंट माला हुई थी, लेकिन सांप ने उन्हें काट लिया था पैर पर। जैसे ही वो चीखे तो माला उनकी आवाज से उड़ गई। एज पर माला का इंटेंशन खराब नहीं था, उसका इंटेंशन बहुत सही था। जो भी उसके साथ फैमिली में हो रहा था, उसके बावजूद भी उसने उनकी हेल्प करी सांप का जहर निकालने में, और काफ़ी अच्छे एटीट्यूड के साथ उन्हें खड़ा करा और बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हुए की मदद करी उससे रिलीफ होने में। हालांकि सांप से कटवाने में वो फेल गए, तो उन्हें अलग एक और प्लानिंग करी माला को मारने की, जो कि उन्होंने मदद ली थी गैस एक्सप्लोजन की घर में करने के लिए। बट अनएक्सपेक्टेडली जिसको मारना चाहा था वो तो बच गई थी, और उनके नियर वंस यानी कि उनकी फैमिली मेम्बर ही, उनकी राज की सिस्टर किचन में गई थी, उन्होंने स्टोव ऑन करा तो तभी ब्लास्ट हो गया था, तो उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। जिसको कि एक मैसेज देते हुए दिखाया है पिक्चर में, जो जिसके लिए कुआ खोदता है वो उसी में गिरता है। अपनी बेटी के फ्यूनरल पे जैसे ही राज के फादर आते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं राज के साथ उसको बचाने के चक्कर में। हालांकि माला भी इंजर्ड हुई थी, लेकिन उसकी अच्छाई ने उसे मतलब फैमिली को ही चेंज कर दिया, और जो फैमिली का पर्सपेक्टिव था कहीं ना कहीं वो भी चेंज हुआ माला की क्रिटिकल कंडीशन को लेते हुए। एज माला को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी, और फैमिली के इल और टेरिबल ट्रीटमेंट के बावजूद भी जो उसके फादर थे यानी कि राज के फादर, वो उसे एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो गए। अपोलोजाइज करा था अपनी गलतियों पे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई फिर से, उन्होंने एक्सेप्ट करी अपनी गलतियाँ और अपना फॉल्ट भी माना। और जैसे ही माला कॉन्शियसनेस में आई, उन्होंने अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुर को बचाया, और झूठ बोलते हुए इंसिडेंट के बारे में काफ़ी हेल्प करी अपनी फैमिली की। उसी नेचर को देखते हुए फैमिली का बिहेवियर भी चेंज हुआ, और राज के फादर का बिहेवियर भी चेंज हुआ। जैसे कि शादी एक माला ने चाही थी वो फिर से हुई, और बिल्कुल सेम मैनर में। हालांकि पहला अटेम्प्ट काफ़ी नेगेटिव वे में रहा था, नफरत भरा रहा, और बीच बीच में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही थी कपल के बीच में, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद फैमिली और राज दोनों ही बिल्कुल ही चेंज हो गए थे, और फैमिली ने दोनों की शादी बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वे में करी, पूरी सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करते हुए। दोस्तों, जैसे कि हमने जाना पिक्चर में सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया गया है, जो कि एक क्राइम है, हो सकता है इसी बेसिस पे कहीं या फिर टॉपिक को लेकर ऑडियंस की तरफ से मूवी को ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिले हैं, क्रिटिसाइज करा गया है इस टॉपिक को लेकर, और जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है सोसाइटी में। अगर बात करी जाए पिक्चर की प्लॉटिंग को लेकर, तो पिक्चर में कास्ट करे गए एक्टर्स काफ़ी, कुछ एक्टर्स का डेब्यू हुआ है तो कुछ एक्टर्स सीरियस सीनियर भी रहे हैं, या फिर बोले तो एक्सपीरियंस होल्डर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जो काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं एक्टिंग को। बात यहाँ पे अगर करी जाए एक्टर्स के अलावा प्लॉटिंग की, तो पिक्चर की प्लॉटिंग स्क्रीन पे इससे और अच्छी हो सकती थी। जो एक सोशल टॉपिक था सेक्सुअल असॉल्ट का, वो पॉजिटिव वे में ऑडियंस के बीच लाया जा सकता था, कैसे उसे प्रिवेंट करा जा सकता है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाया अपोजिट, बिल्कुल पहले तो जिस बंदे से सेक्सुअल असॉल्ट करा था उसी बंदे से प्यार हो रहा है और उसी बंदे से शादी हुई है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर सकता है सोसाइटी पे। तो पब्लिक ने इसी मोस्टली इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हो सकता है ज़्यादा रिव्यूज़ ना दिए और क्रिटिकली अक्लेम भी करा है। हम बात करें पिक्चर की रेटिंग की, तो पिक्चर में रेटिंग दी गई आउट ऑफ 5, प्लॉटिंग को रेटिंग दी
ऑलमोस्ट 2 रेटिंग गई है 5 में से। परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज 1 दिया है, 1 स्टार दिया है 5 में से। सेम गया म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी के लिए। एज एन एवरेज बात करें तो होल कॉन्सेप्ट बेस करता है स्क्रीन प्ले पे। हालांकि एक सोशल टॉपिक है जिसको एक अनजस्टिफाइड वे में रिप्रेजेंट करा गया है ऑडियंस के बीच। अगर प्लॉटिंग अच्छे से होती, स्क्रीन प्ले और इम्प्रूव होता तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाती एज कंपैरेटिवली प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। बात करें अगर हम पिक्चर की बजट की, दोस्तों पिक्चर का बजट था 2 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे पिक्चर ने अर्न करे थे 3 करोड़। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो पिक्चर ने अर्न करा 6 करोड़। एज पर अगर वीकली बात करें तो फर्स्ट डे ने कलेक्ट करा था 0.17 करोड़, तो वहीं पिक्चर ने फर्स्ट वीकेंड पे अर्न करा 0.56 करोड़। तो ओवरऑल पिक्चर का अर्न हुआ था नेट में इंडिया की बात करें लाइफ टाइम में टिल द टाइम तो रहा 3 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड में रहा था 6 करोड़ का, जिसको एडजस्ट करा गया था इन्फ्लेशन को लेकर। जैसे कि पिक्चर का जनर था ड्रामा और रोमांस, तो इसको और अच्छे से स्क्रीन प्ले पे लाया जा सकता था एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। तो जैसे कि आज के टाइम पे मोस्ट टीनेज मूवीज देखती है और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है ऑडियंस के बीच में। खाली टीनेज ही नहीं, काफ़ी सिटीजन्स मूवी देखते हैं तो सबके बीच में एक पर्सपेक्टिव जाता है, हर किसी का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कि पिक्चर को हिट और फ्लॉप करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। तो वहीं अगर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ पिक्चर का स्क्रीन प्ले देखा जाएगा तो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाएगी और ना ही केवल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे बल्कि इंटरनेशनल वे में भी, इंटरनेशनल भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस कंसिडर करी जाती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है पिक्चर के स्क्रीन प्ले का, एडिटिंग का और कहीं ना कहीं एक्टर्स का जो कि उसमें कास्ट करे जा रहे हैं, क्या वो उसके लिए सुटेबल हैं या नहीं, क्या वो अच्छे से रोल प्ले कर पाएंगे, ये सब भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रखता है एक पिक्चर के स्क्रीन प्ले को लेकर। तो जैसे कि हमने जाना था शुरुआत में कि रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही थी और रानी मुखर्जी ने साथ साथ एक तमिल फिल्म भी करी थी जो कि उनके फादर की प्रोडक्शन हाउस की ही रही थी, दोनों का ही वो साथ ही साथ शूटअप भी कर रही थी। तो बात यहाँ पर रानी मुखर्जी के अलावा स्क्रीन प्ले पर है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस ये भी सोचती है कि अगर एक ही एक्ट्रेस या एक्टर साइड बाय साइड मूवी कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा हो, बट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्क्रीन प्ले का। एज हर डेब्यू उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस किरदार को निभाया था, एक जान डाल दी थी उस किरदार में, बिल्कुल एज अ लाइफ उसको डिपिक्ट करा था। अगर बात करें उनके अपोजिट एक्टर शादाब खान की, तो उनकी डेब्यू मूवी रही थी बेताबी और राजा की आएगी की बारात उनकी सेकेंड मूवी रही, जिसमें कि एज पर एक्टिंग उन्होंने काफ़ी फिल्म्स भी करी है और कुछ कहीं ना कहीं उनकी शॉर्ट फिल्म्स भी रही हैं। ना ही केवल एक्टर बल्कि बतौर डायरेक्टर और राइटर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और साथ ही साथ 2020 ईयर में दिखाई दिए हैं टेलीविजन में इन द स्कैम 1992 में। अगर बात करी जाए फिल्म में रोल अंकल का रोल प्ले करने की, तो वो रोल प्ले करा था गुलशन ग्रोवर ने और एज पर हिज फिल्मी बैकग्राउंड बोला जा सकता है या फिर उनका एक्सपीरियंस फिल्मी एरा में, उन्होंने ओवर 400 फिल्म्स करी हैं। मोस्टली उनकी फिल्म रही है एज अ टाइटल ऑफ बैड मैन या फिर उनका इम्पैक्ट रहा है नेगेटिव रोल्स के लिए, जिसके वजह से ही वो बॉलीवुड में फेमस रही हैं और इतना एक नाम कमाया है, उन्हें बैड मैन के नाम से ही जाना जाता है बॉलीवुड में।
दोस्तों जानेंगे फिल्म राजा की आएगी बारात के बारे में, जो कि एक एवरेज फिल्म रही है, ऑडियंस के बीच कुछ खास पसंद नहीं करा गया है, और रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म रही हिंदी सिनेमा में, साथ ही साथ उन्होंने तमिल फिल्म में भी डेब्यू करा था जो कि उनके फादर की होम प्रोडक्शन की रही है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या रहा फिल्म में जो कि ऑडियंस ने इतना कुछ खास पसंद नहीं करा है। एक स्टोरी लाइन रही स्कूल टीचर की जो कि इनोसेंट थी लेकिन फिर भी उनका रेप हुआ। जानेंगे ऐसी क्या वजह रही इनोसेंट होने के बाद भी उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। माला जो कि यंग स्कूल टीचर थी, एक आइडियलिस्टिक थी, फ्यूचर को लेकर अपने उनका एक लव अफेयर था विद अ काफ़ी बड़ी फैमिली के साथ, काफ़ी उनका ड्रीम था कि जैसे हर लड़की का ड्रीम होता है उसी तरीके से उनका भी ड्रीम था। तो उसी दौरान उनकी फ्रेंड कन्फाइन कर देती है अपना रिलेशनशिप एक अमीर लड़की के साथ, और साथ ही साथ उनके साथ शेयर करती है इंटीमेट होने के बारे में। हालांकि उसने प्रॉमिस करा था लेकिन अब वो शादी किसी और से कर रहा है। माला यानी कि जो स्कूल टीचर थी अपने ड्रीम्स को लेकर काफ़ी पैशनेट थी, उन्होंने कंपनी दी अपनी फ्रेंड को, वहीं पहुंच गई थी जहाँ पे वो लड़का शादी कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करा था, और वहीं जाके उन्हें स्लैप लगाया और उन्हें उनकी मिस्टेक के बारे में समझाया। लेकिन समझाने में तो फेल हो गई लेकिन कहीं ना कहीं शादी रोकने में कामयाब भी हो गई और सच्चाई पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने बताई। उसी दौरान जो दूल्हा था उसका भाई सामने आता है और लड़की को काफ़ी इंसल्ट करता है पब्लिक के सामने और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है, मारता है, रेप करा उसका, जिसके दौरान माला जो है काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, उसकी फैमिली शॉक में आ गई थी। पुलिस केस भी हुआ जिसमें कि पुलिस ने अरेस्ट भी करा था, हालांकि राज जिसने कि मारपीट करी थी, रेप करा था, उसके फादर जैसे कि अमीर बाप होने के बाद पावर को यूज़ करते हुए उसे ब्राइब करा, यानी कि माला की फैमिली को ब्राइब करते हुए केस को रफा दफा कर दिया और कहीं ना कहीं कोशिश करी थी उन्होंने केस को रफा तो नाकामयाब रही, क्योंकि उसके फादर ने कोशिश करी थी माला के पेरेंट्स को गार्जियंस को ब्राइब करने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान कोर्ट में जाते हैं और केस फाइल करते हैं अगेंस्ट राज, और एज पर जज कंसिडर करा गया था शादी करने के लिए कि 24 घंटे के अंदर शादी कर दे उसकी, नहीं तो उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी थी। राज यानी कि जिसने रेप करा था उसने काफ़ी सारे अटेम्प्ट करे थे माला को मारने के लिए, लेकिन वो उस अटेम्प्ट में भी फेल हो गया, नहीं मार पाया। उसी दौरान शादी हो जाती है लेकिन माला फैमिली में भी चली जाती है, राज की फैमिली भी काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करती है, और उसके फादर जो है इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं अपनी फैमिली को माला को टॉर्चर करने के लिए। एज पर इस इंस्ट्रक्शंस उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है माला को, और प्लॉटिंग करी थी उसकी सिस्टर ने उसे मारने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी वेल्थ को लेकर लालच था। जब उसके फादर अब्रॉड चले गए तो उसी दौरान राज के बहन भाई काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग करते हैं उसे घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन राज के जो अंकल थे उन्होंने इन सब चीज़ों को रोका और प्लान करा था उनके लिए ट्रिप एज अ कपल ट्रिप, जिसमें के पीछे उनकी भी कुछ ना कुछ साजिश थी उसको मारने की। राज के अंकल उसी दौरान मतलब काफ़ी पॉजिटिव वे में अपनी तरफ अपने काबू में करके माला को अपना पॉजिटिव पॉइंट अच्छा बन दिखाते हुए माला को अपनी साइड करा। तभी जो है माला बाथरूम होती है, चार लेरी होती है, उन्होंने उसके कमरे में सांप छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा कि वो उसे मारने के लिए अटेम्प्ट जो ले रहे हैं उसमें वो
पास हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सांप से वो ही फेंट हो गए थे। हालांकि फेंट माला हुई थी, लेकिन सांप ने उन्हें काट लिया था पैर पर। जैसे ही वो चीखे तो माला उनकी आवाज से उड़ गई। एज पर माला का इंटेंशन खराब नहीं था, उसका इंटेंशन बहुत सही था। जो भी उसके साथ फैमिली में हो रहा था, उसके बावजूद भी उसने उनकी हेल्प करी सांप का जहर निकालने में, और काफ़ी अच्छे एटीट्यूड के साथ उन्हें खड़ा करा और बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हुए उनकी मदद करी उससे रिलीफ होने में। हालांकि सांप से कटवाने में वो फेल गए, तो उन्हें अलग एक और प्लानिंग करी माला को मारने की, जो कि उन्होंने मदद ली थी गैस एक्सप्लोजन की घर में करने के लिए। बट अनएक्सपेक्टेडली जिसको मारना चाहा था वो तो बच गई थी, और उनके नियर वंस यानी कि उनकी फैमिली मेम्बर ही, उनकी राज की सिस्टर किचन में गई थी, उन्होंने स्टोव ऑन करा तो तभी ब्लास्ट हो गया था, तो उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। जिसको कि एक मैसेज देते हुए दिखाया है पिक्चर में, जो जिसके लिए कुआ खोदता है वो उसी में गिरता है। अपनी बेटी के फ्यूनरल पे जैसे ही राज के फादर आते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं राज के साथ उसको बचाने के चक्कर में। हालांकि माला भी इंजर्ड हुई थी, लेकिन उसकी अच्छाई ने उसे मतलब फैमिली को ही चेंज कर दिया, और जो फैमिली का पर्सपेक्टिव था कहीं ना कहीं वो भी चेंज हुआ माला की क्रिटिकल कंडीशन को लेते हुए। एज माला को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी, और फैमिली के इल और टेरिबल ट्रीटमेंट के बावजूद भी जो उसके फादर थे यानी कि राज के फादर, वो उसे एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो गए। अपोलोजाइज करा था अपनी गलतियों पे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई फिर से, उन्होंने एक्सेप्ट करी अपनी गलतियाँ और अपना फॉल्ट भी माना। और जैसे ही माला कॉन्शियसनेस में आई, उन्होंने अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुर को बचाया, और झूठ बोलते हुए इंसिडेंट के बारे में काफ़ी हेल्प करी अपनी फैमिली की। उसी नेचर को देखते हुए फैमिली का बिहेवियर भी चेंज हुआ, और राज के फादर का बिहेवियर भी चेंज हुआ। जैसे कि शादी एक माला ने चाही थी वो फिर से हुई, और बिल्कुल सेम मैनर में। हालांकि पहला अटेम्प्ट काफ़ी नेगेटिव वे में रहा था, नफरत भरा रहा, और बीच बीच में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही थी कपल के बीच में, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद फैमिली और राज दोनों ही बिल्कुल ही चेंज हो गए थे, और फैमिली ने दोनों की शादी बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वे में करी, पूरी सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करते हुए। दोस्तों, जैसे कि हमने जाना पिक्चर में सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया गया है, जो कि एक क्राइम है, हो सकता है इसी बेसिस पे जिस कहें या फिर टॉपिक को लेकर ऑडियंस की तरफ से मूवी को ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिले हैं, क्रिटिसाइज करा गया है इस टॉपिक को लेकर, और जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है सोसाइटी में। अगर बात करी जाए पिक्चर की प्लॉटिंग को लेकर, तो पिक्चर में कास्ट करे गए एक्टर्स काफ़ी, कुछ एक्टर्स